श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 37 चालू करें। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोभ्ययाचलद्गुः हरिरिवहन्तमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्बधार्थम् स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहैरश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोः जमीह निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम्। अपनी प्रतिज्ञा को अपहाय छोड़कर मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा को रीतम सत्य अधिकर्तुम अधिक करने के लिए अवप्लुतः रथ से कूद गए रथस्थः जो पहले रथ पर बैठे थे धृतरथ चरण रथ का पैर पकड़ कर अर्थात चक्र धारण करके रथ का चक्र धारण करके अभ्ययात जो मेरे सम्मुख आ रहे थे जलद गुह जिनके पैरों के धमक से पृथ्वी में कंप हो रहा था हरि ही सिंह
इवा जैसा हंतुं वध करने के लिए इभां गज हाथी को गतोत्तरीयः उस समय जिनका दुपट्टा गिर गया था भीष्म पितामह बाण सज्जा पर पड़े पड़े श्री भगवान के गुण गा रहे हैं। तो कल इस पर चर्चा हुई कि किस प्रकार दोनों सेनाओं में अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन के मन में शोक उत्पन्न हुआ और श्री भगवान ने किस प्रकार से उनको डांटा और उनका शोक दूर करने के लिए गीता का उपदेश किया। अब भीष्म पितामह उस दिन की याद कर रहे हैं जिस दिन भगवान इनका वध करने के लिए इनके सामने दौड़े थे, उसकी याद कर रहे हैं कि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं, भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। और विशेष करके अर्जुन की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी विश्वविख्यात प्रतिज्ञा को त्याग दिया और मेरी प्रतिज्ञा को अधिकर्तुम अधिक किया, क्या अधिक सत्य रितम अधिकर्तुम अधिक सत्य किया उन्होंने। भीष्म पितामह को यह सब स्मरण हो रहा है। जब युद्ध का निश्चय हो रहा था और दुर्योधन और बाद में अर्जुन भी जब गए थे भगवान कृष्ण से सहायता मांगने, तो भगवान दोनों की बात रखे, कहे कि यह अपने संबंधियों में युद्ध हो रहा है अतः मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा और मैं किसी भी साइड से लड़ूंगा नहीं, हथियार ग्रहण शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने ये विभाजन किया, मैं सहायता करूंगा लेकिन अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दोनों का मन रखने के लिए भगवान ने कहा कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी एक औक्षौहिणी और एक तरफ मैं रहूंगा। तो उसके लिए भगवान ने अर्जुन को अवसर दिया चुनने के लिए। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि मैं सबसे पहले अर्जुन को देखा हूँ, जब जगे तो अर्जुन को देखे। दुर्योधन गया था तो आँख बंद करके सो गए थे और दुर्योधन जब गया द्वारका में तो सीधे भगवान के शयन कक्ष में प्रवेश कर गया, क्योंकि भगवान का वो समधी था और बहुत बड़ा व्यक्ति था तो उसको कोई रोक टोक नहीं था, कोई नहीं रोक सकता था। तो गया तो भगवान सोए थे। कुछ भक्त तो कहते हैं कि उसके आते समय ही आँख बंद करके और सो गए थे, पर ऐसी बात नहीं थी। तो दुर्योधन जब गए चाहकर उन्होंने देखा द्वारकाधीश सो रहे हैं तो जगने की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन बैठे किधर, भगवान के सिरहाने एक बहुत सुंदर सिंहासन रखा गया था तो गए और बैठ गए। समधी हैं, एक समान पोजीशन है ना, भगवान के पुत्र और दुर्योधन की लड़की का विवाह हुआ था तो बैठ गए। तो कुछ देर के बाद अर्जुन आए, वे भी गए, वे भी तो भगवान के सखा ही थे, सभी जानते थे, कोई नहीं रोका। तो वे आए तो भगवान की शयन की छवि को देखने लगे, देख रहे थे कुछ देर और चरणों के पास ही खड़े रहे, वो बैठे नहीं। तब तो अर्जुन इस तरह से आए तब द्वारकाधीश की नींद खुली। तो नींद खुलेगी तो आदमी पैर के तरफ ही देखता है ना, ऐसे तो देखेगा नहीं कौन सिर के पास बैठा है। तो जब नींद खुली तो देखे कि अर्जुन आए हैं।
तो भगवान अर्जुन को गले से लगा लिए, मिलने लगे, आलिंगन किए, पूछने लगे कैसे हैं महाराज, युधिष्ठिर महाराज कैसे आए। बातचीत हो रही थी तब तक दुर्योधन कहे, द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ। अच्छा आप भी आए। तो भगवान फिर मिले उनसे, उनसे भी यथोचित मिले। कैसे आए, दोनों को दोनों साइड में अपने पलंग पर बैठाए, दोनों बीच में बैठे, और अर्जुन को एक तरफ दुर्योधन को। भगवान ने कहा कैसे आगमन हुआ आप दोनों, दोनों आए। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन को बोलने को अवसर दिया गया। युद्ध में मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। तो अर्जुन क्यों आए, तो वो भी कहे कि हमें महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है, हम आपसे सहायता चाहते हैं। तो दोनों सहायता चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, भगवान ने कहा कि यह युद्ध है अपने ही संबंधियों में हो रहा है, दोनों अपने संबंधी हैं, अतः मैं किसी भी पक्ष से युद्ध नहीं करूँगा। बलराम जी तो चले गए थे, महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो तीर्थयात्रा में थे। भगवान ने उनको कहा, नहीं अर्जुन भगवान को बलराम जी ने कहा, महाभारत में लिखा है कि कृष्ण तुमको इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, अपने संबंधियों में युद्ध है, तुम भी चलो हमारे साथ तीर्थ करो। भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन इस विषम स्थिति में मैं अर्जुन को त्याग नहीं सकता। उन्होंने इस तरह कहा, मैं उसके साथ रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। बलराम जी चले गए, युद्ध में भाग नहीं लिए, जा करके नैमिषारण्य में एक साधु को मार दिए। भगवान बहुत व्यंग करते थे बलराम जी से बाद में कि हाँ आप तो युद्ध नहीं करते हैं, योद्धाओं सैनिक को नहीं मारते हैं, साधु को मारते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं सहायता करूँगा। तो उन्होंने विभाजन किया, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, नारायणी सेना जादुओं की, और दूसरे तरफ मैं रहूँगा निहत था। और मैं सर्वप्रथम अवसर दूंगा अर्जुन को चुनने के लिए, क्योंकि अर्जुन आयु में छोटे हैं और मैंने देखा भी है उनको पहले, को मैं पहले देखा हूँ। तो दुर्योधन कहा कि आया हूँ मैं पहले। भगवान ने कहा कि हाँ आप आए होंगे, लेकिन मैंने देखा अर्जुन को पहले। सबके बाद भगवान ने कहा कि छोटे की इच्छा को पहले पूरी करनी चाहिए, अर्जुन आपसे छोटे हैं, अतः इनकी इच्छा पहले पूरी होगी, इन दोनों में से ये चुनेंगे, हमको चुने या हमारी सेना को। जब अवसर दिया गया तो अर्जुन ने कहा कि हाँ मैं आपको चुनता, आप हमारे साथ रहिए। तब दुर्योधन को बहुत खुशी हुई, उसने कहा कि तब सेनापति को आज्ञा दिया जाए, देर हो रही है, हम चलते हैं। भगवान ने संकेत कर दिया, किसी को कह दिया होगा, ठीक है कह दीजिए। दुर्योधन बहुत प्रसन्नता से सेना लेकर के चल दिए, अर्जुन रुके रहे। बाद में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारा दिमाग नॉर्मल कंडीशन में है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुमको महाराज ने भेजा है सैनिकों के लिए सहायता, युद्ध में सहायता तो सेना से होती है ना, और तुमको अवसर दिया गया, तो तुम यह क्यों बेवकूफ़ी किए, सेना नहीं लिए और हमको लिए, हम तो कुछ युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र छुएंगे ही नहीं। तो अर्जुन उस समय कहते हैं मैं नहीं चाहता हूं कि आप अस्त्र उठाइए और किसी का वध कीजिए, आप हमारे साथ रहेंगे
तो मैं देवताओं को भी मार सकता हूँ, सारे जगत को परास्त कर सकता हूँ, केवल आप हमारे साथ रहिए। और वे कहते हैं कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। और उन्होंने उसी समय कहा कि ठीक है, आप युद्ध मत कीजिएगा, केवल मेरा रथ हाँकिएगा। रथ चला सकते हैं ना? तो भगवान ने कहा हाँ रथ चलाएंगे तो इसकी चिंता नहीं है, आप मेरे साथ रहेंगे। तो उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं भगवान शिव को भी परास्त कर सकता हूँ, और किया भी था उन्होंने वास्तव में। भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे इनकी वीरता देखकर। तो आप मेरा रथ संचालन कीजिए, किसी भी हालत में मैं आपको चाहता हूँ, आपकी सेना को नहीं चाहता। तो युद्ध निश्चित हो गया। तो गए भगवान, सारथी का काम कर रहे थे। तो युद्ध में एक दिन की बात है, दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आकर के कैंप में लगा रोने। कुछ दिन युद्ध बीत गया था, भीष्म पितामह 10 दिन महारथी थे, वो सेनापति थे। तो इसी 10 दिन के अंदर किसी दिन वो रोने लगा, बहुत जैसे दहाड़ कर रोना कहते हैं, फूका फायर करके रोना, रोने लगा बिल्कुल। क्योंकि भाई मरते मर रहे थे, सेना हार रही थी, और वो देखा था कि जब अर्जुन सामने आते हैं तो भीष्म पितामह कठोरता से नहीं लड़ रहे थे, अर्जुन के प्रति उनका बहुत स्नेह था। चाहते तो कठोर बाण मारते लेकिन नहीं मारते थे। दुर्योधन रोने लगा और कहने लगा, दादाजी पितामह, मैं देख रहा हूँ कि आप अर्जुन के साथ बहुत ढीला लड़ रहे हैं, आप बहुत स्नेह कर रहे हैं, ये युद्ध का मैदान है, मैं आपके भरोसे पर युद्ध ठाना हूँ, और हमारी हार होती जा रही है, कई लोग मरते जा रहे हैं, आप ठीक से लड़ नहीं रहे हैं। उसमें उसने यहाँ तक कह दिया कि आप हमारा अन्न खा रहे हैं और आप प्रेम अर्जुन से कर रहे हैं। ये बात उनको बहुत लग गई। राज इनका था लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से राज नहीं लिया था। संतनु महाराज के उत्तराधिकारी ये थे, जेठ पुत्र थे, लेकिन पिता के सुख के लिए विवाह नहीं किया और राज नहीं लिया। फिर अपने भाई को राज दिए, यही विचित्र वीर्ज को, और विचित्र वीर्ज के संतान हुए धृतराष्ट्र महाराज, पांडु, विदुर, ये सब। तो उसने ये कहा कि आप खा रहे हैं हमारा और आप अर्जुन का पक्ष कर रहे हैं, अब हमारे तरफ से लड़ रहे हैं, केवल दिखा रहे हैं। यह बात सुनकर के भीष्म पितामह को बहुत लगा, हृदय पर धक्का लगा, इस तरह से बात बोलना। तो उन्होंने विचार किया, वे सोच लिए कि मैं ऐसा करूं, ऐसा युद्ध करूं कि इस युद्ध में अर्जुन अब हारे या मारे जाएंगे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति होने पर, इसलिए ऐसी स्थिति होने पर भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए अवश्य हथियार उठाएंगे, निश्चित मुझे विश्वास है। तो भगवान कृष्ण की भक्तवत्सलता को जगत में विख्यात करने के लिए इनको युक्ति सूझी। इन्होंने कहा, दुर्योधन ठीक है, कल मैं युद्ध करूँगा, तुम जैसे कहते हो वैसे करूँगा। और इन्होंने प्रतिज्ञा किया, कल है 5 पांडवों का मरण होगा, और नहीं तो कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी होगी, उनको अस्त्र उठाना होगा। ये सोच करके कहे तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो गया। अच्छा, कृष्ण की बेइज्जती होगी, झूठा कहा जाएगा दुनिया में, ये भी बहुत खुशी की बात है, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा, या तो अर्जुन मरेंगे और नहीं तो कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा।
ये प्रतिज्ञा की। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, आज जो हरिहीन अस्त्र गहाऊँ, यदि मैं आज कृष्ण को अस्त्र नहीं पकड़वा दिया तो लाजों गंगा जननी को सांतन सुतन कहाऊँ, जो मैं हरिहीन अस्त्र गहाऊँ, आज जो हरिहीन अस्त्र गहाऊँ, यदि मैं श्री कृष्ण को बाध्य नहीं कर दिया अस्त्र ग्रहण करने के लिए, वो अस्त्र ग्रहण नहीं किए, तो फिर मुझे लज्जा आएगी, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं गंगा जी का पुत्र हूँ और शांतनु जी का पुत्र हूँ। प्रतिज्ञा किए कि स्यंदन खंडी महाधन भंजाऊँ, कपिध्वज सहित गिराऊँ, कल के युद्ध में मैं अर्जुन के रथ को खंड खंड कर दूंगा यदि कृष्ण और अस्त्र नहीं उठाए तो, और महाधनु गांडी को भी टुक टुक कर दूंगा और कपि ध्वज उस झंडे को गिरा दूंगा। यहाँ तक कहे कि मैं अर्जुन को मारूंगा, सेंदन खंड महाधनु भंजों कपि ध्वज सहित गिराऊं, पांडव दल सन्मुख है धाऊं और सरिता रुधिर बहाऊं, कल मैं खून की नदी बहाऊंगा, देखना तुम मेरा युद्ध, मैं इस तरह से युद्ध करूंगा। वास्तव में भगवान के भक्तवत्सलता को, अर्जुन के प्रेम को दिखाना चाहते थे। भगवान के लिए शोभा की बात है ना, अर्जुन की रक्षा के लिए अगर वे चक्र उठाए, रथ का पहिया उठाए, तो भगवान के लिए शोभा की बात है, उनकी बेइज्जती नहीं होगी, असम्मान नहीं होगा संसार में। इस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा किया सूरदास जी ने, और भी दो लाइन लिखा है। अंत में उन्होंने यही कहा कि यदि मैं ऐसा नहीं कर सका, कृष्ण को बाध्य नहीं कर दिया अस्त्र उठाने के लिए, तो क्षत्रिय गति ही न पाऊँ। अंत में कहता मुझे क्षत्रिय की गति न मिले, मैं नरक में गिरूँ, ये हो वो, प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन को बहुत प्रसन्नता हुई और उस दिन भीष्म पितामह युद्ध में अद्भुत तरीके से लड़ रहे थे, उसी की वे याद कर रहे हैं। लड़ रहे थे विद्युत गति के समान, वो बाण लेना चढ़ाना छोड़ना कोई समझ ही नहीं सकता, कब ले रहे हैं कब बाण चढ़ा रहे हैं छोड़ रहे हैं, और अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था। युद्ध होते होते अर्जुन उस दिन ऐसा लग रहा था कि अब तो ये भीष्म पितामह के हाथ से मारे जाएंगे, यह केवल पोज था भीष्म पितामह का, अर्जुन के प्रति भगवान का प्रेम प्रकट करने के लिए। बाण चढ़ा रहे थे, अर्जुन भी प्रतिकार कर रहे थे, अर्जुन मार नहीं रहे थे, केवल उनके बाणों को काट रहे थे, पर काटने में ही वे परेशान हो गए। और भगवान तो भक्त के अभिप्राय को जानते हैं, भीष्म पितामह के अभिप्राय को जानते थे। तो जब अर्जुन बाणों से प्रतिकार कर रहे थे, बार बार लेते थे, ये करते थे, वो करते थे, भीष्म पितामह अद्भुत युद्ध कर रहे थे उस दिन। अब लगता था कि अर्जुन अब मारे जाएंगे, तो भगवान जैसे भय की लीला कर रहे थे, सर सर बाण आ रहा था, अर्जुन लड़ रहे थे, तो भगवान एक बार भयभीत दृष्टि से देखे अर्जुन की तरफ ऐसे, तो अर्जुन उसी समय पसीना पोछने लगे। कभी अर्जुन को युद्ध में पसीना नहीं छूटा था, लेकिन उस दिन ऐसी भगवान की लीला, पसीना छूटा, तो भगवान ने देख लिया। हरे कृष्णा, बैठिए बैठिए बैठिए। अर्जुन ने युद्ध में कभी नहीं हारे, किसी का अस्त्र कभी टच नहीं किया, कोई बाण टच नहीं किया उनके शरीर को, कभी नहीं, भगवान रक्षक थे, इतने युद्ध हो रहे थे कभी नहीं हुआ। लेकिन उस दिन पितामह भीष्म की फुर्ती के कारण अभी बार बार बाण चला रहे थे तो पसीना आ गया। जब बाण थोड़ा शिथिल हुआ,
तो भगवान ऐसे दृष्टि डाले डाले तो देखे कि अर्जुन पसीना पोंछ रहे हैं, बस वो रथ हाँकना छोड़ करके कूद पड़े और एक रथ का पहिया टूटा हुआ पड़ा था उसको उठा करके भीष्म को मारने दौड़े। वो भगवान ऐसे नाटक किए, ऐसे देखे और देख करके अरे ये तो मार ही डालेंगे, भीष्म पिताह मार डालेंगे अर्जुन को। तो अर्जुन की रक्षा के लिए भीष्म को मारने के लिए वे रथ से कूद पड़े। उसी लीला की याद कर रहे हैं भीष्म पितामह। स्वनिगमम अपहाय, भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में बिना अस्त्र ग्रहण किए ही सहायता करूंगा, और यह प्रतिज्ञा सारा संसार जानता था, सब लोग जानते थे, और इसी से युद्ध हो रहा था, नहीं तो युद्ध नहीं होता। अगर जिस दिन कृष्ण हथियार उठा लेते तो अब युद्ध नहीं हो सकता था, कौन मरने जाए, सब कृष्ण की प्रभुता को महत्ता को सारी दुनिया जानती थी। इसीलिए युद्ध हो इस कारण इसलिए युद्ध चल रहा था, स्वीकार किया गया कि भगवान नहीं लड़ रहे थे। तो ये प्रतिज्ञा संसार में सभी लोग जानते थे, और एक क्षत्रिय के लिए यह वचन दान आश्वासन बहुत बड़ी बात थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा, बिना शस्त्र के ही सहायता करूँगा। और उधर भीष्म की प्रतिज्ञा हुई, मैं कृष्ण को अस्त्र ग्रहण करा करके छोड़ूंगा और नहीं तो अर्जुन का मरण होगा, ये प्रतिज्ञा है। उसी की याद कर रहे हैं कि स्वनिगमम, भगवान अपनी प्रतिज्ञा को अपहाय छोड़ दिए, और मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा को रीतम सत्यम अधिकर्तु, अधिक सत्य करने के लिए जो रथ पर होते हुए भी फिर रथ से कूद पड़े। अवप्लुत, अवप्लुत का अर्थ है उतर गए, जैसे उतरा जाता था हर एक समय, ऐसे नहीं उतरे, कूद पड़े। कि उन्होंने ऐसा आशय व्यक्त किया कि यदि मैं देर करता हूँ तो पितामह तो अर्जुन का वध ही कर देंगे। तो भगवान कूद पड़े और रथ का पहिया लिए, धृत रथ चरण, रथ का चरण लिए। रथ का चरण क्या है, पहिया है, चक्र, धृत रथ चरण, सुदर्शन चक्र नहीं लिए, सुदर्शन चक्र आवाहन करने की लेने की फुर्सत नहीं थी, वो रथ का चक्का पड़ा था उसी को उठाए और घुमाते हुए मारने चलते। धृत रथ चरण अभ्ययात, अभ्ययात सम्मुख मेरे सन्मुख आने लगे। उस समय भगवान यह भूल गए, अपना मनुष्य नाट्य भूल गए, अपने स्वरूप में हो गए, वो ये भाव में हो गए, उनका मनुष्य की लीला का जो अभिनय था भूल गए। इसीलिए तीनों लोकों में जितने जीव हैं भगवान के अंदर ही हैं, उनका भार बढ़ गया तो पृथ्वी कांपने लगी, हिलने लगी भगवान के भार से। चलत गुह, भीष्म पितामह कहते हैं जब वो मेरे तरफ आ रहे थे मुझे मारने के लिए तो पृथ्वी कांपने लगी, और वैसे चले हमें मारने के लिए जैसे सिंह हाथी को मारने चलता है। इभम हंतुम हरि इव, और उस समय भगवान इतने संरम्भ में थे मेरे प्रति, संरम्भ का अर्थ होता है क्रोध, असहनशीलता, वे भीष्म को मुझे मारने के लिए चले। ये बाहर से ऐसा भगवान को की लीला देखने पर लगता था कि अब भीष्म को नहीं छोड़ेंगे, अर्जुन को इतना परेशान कर रहे हैं, मारना चाहते हैं, तो अर्जुन से इतनी प्रीति भगवान की थी कि वो भीष्म को मारने के लिए चले। इस संरम्भ के कारण भगवान भूल गए अपने देह की शुद्धि, तो उनका दुपट्टा जो उत्तरीय था वो गिर गया, इसका पता उनको नहीं चला, यह पता नहीं चला कि दुपट्टा हमारे शरीर पर है या नहीं है, वो गिर गया था। गतम उत्तरीयम, उत्तरीय वस्त्र चला गया। उस समय भीष्म पितामह क्या किए, जब भगवान चले, जब भीष्म को मारने के लिए, तो प्रारंभ में उन्होंने किया सित विशिख हत, तीखे तीखे बाण और मारने लगे कृष्ण को, शुरू में
तीखे तीखे बाण मारे, बहुत नुकीले बाण मारे, और इतना बाण मारे कि भगवान का कवच टूट गया। जो छाती की रक्षा करने के लिए कवच था सोने का, वो टूट गया। विशीर्ण दंश, दंश का अर्थ कवच, कवच बिल्कुल टूट गया। और कवच जब टूट गया तो भीष्म पितामह के बाण भगवान के अंग में लगने लगे, तो छतज परिप्लुत, छतज कहते छत होने पर जिसका जन्म होता है, छतज अर्थात रक्त, रुधिर, छतज परिप्लुत, भगवान का शरीर लहूलुहान हो गया। पर इस दशा में भी वे अर्जुन की रक्षा के लिए व्यग्र हैं, इसकी परवाह नहीं किए कि हमको कोई मार रहा है। इसका बिल्कुल ध्यान भगवान अर्जुन की रक्षा के लिए अपनी विश्व विख्यात प्रतिज्ञा को तिलांजलि देती। इसके द्वारा भगवान के स्वभाव का पता लगा कि भक्त से कितना प्रेम करते हैं। इस लीला की याद कर रहे हैं, मेरी प्रतिज्ञा को अधिक सत्य करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिए, वही कृष्ण वही मुकुंद मेरी गति हों, जो मुझे मारने के लिए आ रहे थे वे मेरी गति हों। मैं जन्म जन्म में उन्हीं की का भक्त रहूं और ये शरीर छोड़ने के बाद उन्हीं की सेवा में चला जाऊं, उनके धाम में उनके पास चरणों में रहूं, वही मेरी गति। ये लीला है, बहुत महत्वपूर्ण लीला है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। कि विचार किया जाए कि क्या भगवान अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिए तो उससे उनकी हीनता हुई? अर्जुन की रक्षा के लिए अस्त्र उठा लिए। हो सकता है कि संसार में कुछ ऐसे लोग होंगे कहेंगे कि ये कृष्ण बदछोड़ व्यक्ति है, ये गिरा हुआ व्यक्ति है, अपने वचन की रक्षा नहीं किया, आखिर शस्त्र उठा ही लिए। कहा था कि इसमें कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा और शस्त्र उठा करके चला। यद्यपि रथ का पहिया कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर कोई भी हाथ में डंडा चाहे कुछ लेकर के मारने चला ना तो इतनी प्रतिज्ञा को छोड़ देना, कुछ मूर्ख लोग तो कहें छी छी ये कृष्ण क्या किए, क्षत्रिय हो करके जदुवंश का नाम कलंकित किया, ठीक नहीं है, अपने पिता का नाम हंसा दिया वसुदेव जी। लेकिन इस लीला से भगवान का जस और बढ़ा, भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं, अपने सम्मान की चिंता उनको नहीं है कि हमारी जय जयकार करें, लोग अच्छा कहें, हमारे भक्त की रक्षा होनी चाहिए। बताइए, अर्जुन पर प्राण संकट है, अर्जुन पर बाण वर्षा हो रही है और भगवान अपनी बात देखें कि मैं नहीं उठाऊंगा, ये कैसे हो सकता था? तो भगवान की इस भक्त वत्सलता को संसार में सब जगह विख्यात करने के लिए भीष्म पितामह ही प्रतिज्ञा किए थे। और प्रतिज्ञा किए थे वास्तव में दुर्योधन की बातों में आकर के, लेकिन इस तरह से कि कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा करके रहूँगा, नहीं तो अर्जुन का मरण होगा, वे कृष्ण के जस को बढ़ाने के लिए ऐसी प्रतिज्ञा की। देखिए भगवान की लीला में, भगवान को अपने शरीर का ध्यान नहीं है, अपने वस्त्र तक का ध्यान नहीं है, बाण लगे हुए हैं हाथ में छाती में सब जगह, लेकिन उसका ध्यान नहीं है, अपने भक्त की रक्षा के लिए व्यग्र है। तो अपने भक्त की रक्षा में व्यग्र श्री कृष्ण में रति की याचना कर रहे हैं, हमारे प्रेम हो भगवान ऐसे, भगवान जो इतने भक्त प्रिय हैं, इतने भक्त से स्नेह करते हैं, इतने भक्त से स्नेह करते हैं, उनमें हमारी रति। ये है श्रीमद् भागवतम, इसमें हम भगवान के गुणों को सुनते हैं, उनके स्वभाव को सुनते हैं, उनके स्वरूप, उनके सौंदर्य, उनके ऐश्वर्य को सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम सुनना मनुष्य जाति में सबसे बड़ा काम है, मनुष्य जाति के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है श्रीमद् भागवतम सुनना। महाराज परीक्षित जब राज्य त्याग करके गंगा जी के तट पर बैठे
ब्राह्मण का साप सुनकर। तो यह सुन करके कि महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठे हैं सुखताल में, संसार के सभी ऋषि मुनि आए, उन सबको महाराज ने प्रणाम किया और उनसे हाथ जोड़ करके पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो ऋषि लोग, चूँकि भिन्न भिन्न संप्रदाय के मत के लोग आए थे उसमें, तो कोई कहते थे महाराज को चाहिए कि दान देना चालू करें, दान देने से सदगति होती है। कुछ कहते थे इनको यज्ञ करना चाहिए, कुछ कहते थे ब्रह्मानुसंधान ध्यान करना चाहिए इनको, कुछ कुछ कहते थे। तब तक सभा में सुखदेव गोस्वामी आए। सुखदेव गोस्वामी के आने से सब लोग खड़े हो गए, उनको आसन दिया गया। उसमें भगवान नारद भी थे, भगवान वेदव्यास देव भी थे, भगवान परशुराम जी भी थे, भगवान के कितने अवतार उसमें थे। तो वही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने पूछा कि एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है और सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति का भी कर्तव्य बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी प्रवचन के बिल्कुल प्रारंभ में कहे, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे महाराज, मनुष्य को चाहिए कि सब प्रकार से भगवान कृष्ण के विषय में सुने, उनके विषय में बोले और उनका स्मरण करे, बस यही काम है। तो और जो ये हो रहा था कि इनको योगाभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप बैठिए और सुनिए, कुछ नहीं करना है, आप सुनिए बस। तो उन्होंने सुनाया और सुनने के बाद महाराज परीक्षित भगवान के धाम में गए और कुछ नहीं किया, केवल श्रीमद् भागवतम सुने। श्रीमद् भागवतम सुनने से साक्षात भगवान कृष्ण अंदर आ जाते हैं। जैसे हम ये लीला सुन रहे हैं कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया, रथ का पहिया उठा लिया और मारने दौड़े। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान कृष्ण पर अपने जीवन को न्यौछावर नहीं करेगा, जो अर्जुन को या अपने भक्त को इतना मानते हैं। और ऐसा लगा कि जैसे भगवान अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं और भीष्म का वध करने जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अर्जुन पर तो उनका स्नेह है ही, भीष्म पर अधिक अनुग्रह व्यक्त हुआ है इस लीला से। भीष्म को मारने नहीं जा रहे थे, जिनकी प्रतिज्ञा को वे सत्य करना चाहते थे, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ कर। तो भीष्म पितामह अनुभव कर रहे थे कि भगवान मेरे प्रति बहुत अनुग्रहवान हैं। तो भगवान के इन्हीं विशेषताओं को, लीलाओं को सुनने की जरूरत है। आज के जगत में प्रवचन बहुत होते हैं, लेकिन भगवान के गुण उसमें नाम मात्र भी नहीं आते। भगवान का स्वभाव, भगवान का प्रेम भक्तों के प्रति, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की लीलाएँ, ये सब बहुत कम आती हैं। आपने सुना होगा संसार में सब जगह कथाएं होती हैं, लेकिन नाम होता है कि भागवत हो रहा है या गीता का प्रवचन हो रहा है, नाम होता है गीता का, लेकिन गीता के श्लोकों से बातें नहीं समझाई जाती, दुनिया में देखा जा रहा है। श्रीमद् भागवतम इस तरह से है, इसको यथावत यदि पढ़ा जाए, सुना जाए, तो भगवान में प्रेम होकर के ही रहता है। यह एक प्रेमी का उद्गार है और इसी कुरुक्षेत्र में भगवान समक्ष हैं और भगवान की इन लीलाओं की आवृत्ति स्मृति वे कर रहे हैं। स्वनिगम अपहायमत प्रतिज्ञाम ऋतमधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो भया चलद गुहु हरिव हंग तुमिभम गतोत्तरी यह। सूरदास जी ने इस पर भी पद लिखा है कि वाप वाप पट पीत की फहरान करलय चक्र चरण की धावनी नहीं बिसरत वह बानी।
भीष्म पितामह कह रहे स्तुति में, ओहो उस दिन की युद्ध की घटना है कि वा पट पीत की फहरान। जब श्री कृष्ण चले थे हमको मारने के लिए तो जैसे पीताम्बर फहरा करके गिरा, वेग से चले थे इसीलिए फहराया और फहरा करके और गिरा, तो वा पट पीत की फहरान। भीष्म पितामह कहते हैं वो उस पीताम्बर की फहरानी और करले चक्र चरण की धावनी और रथ का पहिया लेकर के हमको चले तेज गति से मारने के लिए, नहीं विसरती वह बात, वो लीला नहीं भूल रही है। भगवान मारने आ रहे हैं और वो लीला इतनी प्रिय लग रही है। करलय चक्र चरण की धावनी, तो हाथ में चक्र दिखाई दे रहा है भीष्म पितामह को और चरण से कैसे कितना तेज गति से चले। प्रसभम अभिशसार मद बधार्थम शित विशिख, मेरे तीखे बाणों से जो आहत हो गए थे, कवच टूट गया था, खून से लथपथ हो गए थे, मैं आतताई था। यद्यपि श्री कृष्ण युद्ध नहीं कर रहे थे फिर भी मैं उन पर बाणों की वर्षा कर रहा था, मैं आतताई हूँ, मैं अपराधी हूँ, पर मुझ अपराधी के प्रति भी कृष्ण इतना स्नेह किए, मरते समय हमारे पास आए, अपने को आतताई कह रहे, मैं बहुत अपराध किया, पर अपराध करने पर भी श्री कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं। तो रथ से जब कूदे, अर्जुन के पसीना को देख कर, थकावट को देख करके जब भगवान रथ से कूदे तो अर्जुन भी तुरंत कूद पड़े। अर्जुन को चिंता हुई कि अरे संसार में इनकी बदनामी होगी, इनकी प्रतिज्ञा भंग हो रही है तो सब लोग कहेंगे क्या किए क्या किए। तो अर्जुन नहीं चाहते थे कि कृष्ण हथियार उठावें, क्योंकि अर्जुन को चिंता ये थी कि कृष्ण का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तो वे भी कूद गए और कहे नहीं नहीं आप मत कुछ कीजिए, आप मत पितामह को मारिए, मैं मारूंगा आप मत मारिए। वे पकड़ लिए भगवान को, पकड़ लिए से अखबार में पकड़ लिए, नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन भगवान प्रसभम बलात् चले गए, अर्जुन को खींचते हुए जा रहे थे। भगवान में तो अनंत बल है, अर्जुन क्या करेंगे पकड़ करके। नहीं नहीं छोड़ो मैं इनका वध करके ही रहूँगा, इस तरह से कहते थे। अर्जुन पकड़ते नहीं बस। अब ये अर्जुन सोच रहे थे कि अगर हथियार लेकर के और भीष्म पितामह का वध कर देते हैं तो कृष्ण का नाम कितना खराब होगा, एक कुल वृद्ध को ये मार दिए और वो भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर। केवल हथियार उठाने के कारण ही कृष्ण की बहुत बेइज्जती होगी, इससे अर्जुन चिंतित हो गए। तब भगवान चलते चलते अर्जुन को घसीटते घसीटते कहते हैं नहीं तुमको मार डालेंगे, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वो पकड़ रहे हैं और तो भगवान को यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण प्रसभम अभिशसार मद बधार्थम मेरे वध के लिए चक्र लेकर के जो बलात् अभिशसार मेरे सामने आ रहे थे, वही मुकुंद मेरी गति हो, मेरे जीवन के लक्ष्य और गंतव्य वही हों। सब भवतु में भगवान गतिर मुकुंद, वही भगवान मुकुंद जो मुक्ति देते हैं, भक्तों को प्रेम रस देते हैं, वे हमारी गति हों। यह भीष्म पितामह की प्रार्थना, हमको जो मारने के लिए आ रहे थे वही मुकुंद हमारी गति हो। बाहर से लोक दृष्टि से लग रहा था कि मेरे प्रति कठोर हैं, लेकिन भीतर हृदय में मेरे प्रति स्नेह भरा हुआ था, मेरी बात को रखना चाहते थे, मेरा जस बढ़ाना चाहते थे, वे कृष्ण मेरी गति मुकुंद। भगवान का जब कवच टूट गया था तो कवच टूट करके जमीन पर नहीं गिरा था, लटक रहा था और टूटा हुआ कवच भी भगवान के शरीर पर बहुत सुंदर लग रहा था, टूटे हुए कवच से भी बहुत सुंदर लग रहे थे। इस सौंदर्य को भीष्म पितामह ने देखा, बल्कि वो कह रहे हैं कि जो सुख मैं लिया हूँ
जो छवि श्री कृष्ण की देखा हूँ कुरुक्षेत्र में वो अर्जुन भी नहीं देखे, क्योंकि अर्जुन तो भीष्म पितामह के पीछे रहते, अरे उनके अर्जुन के पीछे, कृष्ण के पीछे रहते थे अर्जुन, तो भीष्म पितामह सामने रहते थे। कैसे लहूलुहान शरीर है, इसको देख करके भीष्म पितामह को कोई दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि जानते हैं कि क्षत्रिय के आवेश में भगवान है, इनको सुख मिल रहा है इस बात से। ये आश्चर्य की बात है, कोई सोचे कि कैसे खून निकलने से कैसे सुख मिलेगा। जो भी हो, भगवान क्षत्रिय भाव में है इसलिए शरीर में खून उभरना ये भी उनके लिए आनंद की बात है। ऐसे वो तो चिन्मय है, उनमें कोई खून है ना हड्डी है ना कुछ नहीं है। अगर खून निकलता भी है तो वो स्पिरिचुअल है, दिव्य अलौकिक है। कभी कभी अश्रद्धालु लोग इन बातों का बड़ा जिक्र करते हैं कि आखिर कृष्ण में देखा गया कि शरीर कट गया, को बहेलिया मार दिया, ये किया वो किया। जो परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर सकते हैं, वे प्रभु ब्राह्मण के साप से जदुवंश की रक्षा नहीं कर सकते थे, ये अपने को नहीं बचा सकते हैं। ये भगवान का जादू था। जादू में क्या होता है, जो दृश्य नहीं हो, जो चीज़ नहीं होता वो भी दिखाई देता। देखने में लगा कि कृष्ण को बहेलिया ने मारा, कुछ नहीं हुआ था। भगवान इसी स्वरूप से वैकुंठ गए और बहेलिए को शरीर स्वर्ग भेज दिए, ये कथा है भागवत में। और स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान प्रभास से देवताओं के लोक में गए। जब वे प्रभास में थे तो वहाँ सारे देवता आए थे, ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र आदि, और भगवान की स्तुति की और कहे कि हे प्रभु, आपको इस पृथ्वी पर अवतार लिए हुए 125 वर्ष से कुछ अधिक हुआ, 129 वर्ष हुआ। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष ब्रज में रहे और 18 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष द्वारका में रहे, तो इस तरह से 129 वर्ष में रहे। तो देवता लोग कहते हैं कि आप जिसके लिए अवतार लिए थे वो काम हो गया, पृथ्वी का भार दूर हो गया, हम सब सुखी हैं, अब आप चाहे तो अपने धाम जा सकते हो। लेकिन भगवान से विनय किए कि जाते समय आप कृपया हमारे घरों से होते हुए जाइए। सो देवता प्रार्थना करे थे, हमारे घर भी आइएगा, हमारे घर भी आइएगा। पृथ्वी से चलेगा कोई तो देवताओं का लोक करता है, ये कथा स्पष्ट है भागवत में, और फिर भी मूर्खों को ये कहने में शर्म नहीं आती है, हाँ कृष्ण तो मर गए, ये हुए वो। ये अंधे पढ़ते नहीं हैं कुछ, बिना पढ़े बोलते। श्री कृष्ण एक परम रसिक दिव्य पुरुष हैं और उनके कर्म हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। इनके कर्मों को याद रख करना या बोलना और सुनना यही मनुष्य का कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य नहीं है, यही वास्तविक कर्तव्य है। श्री कृष्ण के विषय में सुनना, बोलना और उनकी उनका स्मरण करना। भीष्म पितामह मृत्यु के समय बाण सज्जा पर श्री कृष्ण की उन लीलाओं की याद कर रहे हैं जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहले हो चुकी है। भीष्म पितामह बाण सज्जा पर हैं लेकिन ये लीलाएं पहले हो चुकी हैं, उसकी याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वही वही श्री कृष्ण मेरी गति हो। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है, जरूर विचार करता है कि हमारा आगे क्या होगा, हमारी क्या गति होगी, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अपनी अपनी ज्ञान की स्थिति के अनुसार, जैसी जिसकी बुद्धि है उसके अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। बहुत तुच्छ तुच्छ धारणाएँ होती हैं,
और साध्य की बात तो छोड़िए कि हम स्वर्ग जाएंगे, ये जाएंगे, तो इच्छा होती नहीं। हम यहाँ जाएंगे तो ये देखेंगे, ये तमाशा देखेंगे, ये चीज़ खाएंगे, वहाँ हम जाकर पिज़्ज़ा खाएंगे। कभी कभी विदेश से लोग आते हैं इतनी तुच्छ धारणा के साथ, कहते हैं जब हम गोविंदा में जाएंगे या MBT में तो वहाँ पिज़्ज़ा खाएंगे। वृंदावन में आने पर ये विचार, पता नहीं कुछ लोगों को तो जानकारी भी नहीं होगा ये पिज़्ज़ा क्या है। पहले मैं सुना तो हमने सोचा कि हिंदी नाम है, कि कोई कह रहा है पी जाओ, हम यही सोचे कोई ऐसा चीज़ होगा जिसको कहते हैं पी जाओ। बाद में मैं देखा, एक जगह अमेरिका में गया एक घर में प्रसाद लेने, तो वहाँ पर पिज़्ज़ा केवल बना हुआ था। तो कुछ लोग बैठे थे, हम भी बैठे, और वो आने लगा, उनका ये क्या चीज़ है, तो पिज़्ज़ा है। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, हमको रोटी बनाइए। तो चावल बनाने का समय नहीं था, केवल वही बना था, और जिसको मिला वो तो ताबड़तोड़ खाना चालू किया। बाप रे, बाप रे, सन्यासी के खाने लायक भोजन नहीं है। गृहस्थ लोग पिज़्ज़ा खा सकते हैं, सन्यासी को ऐसा भोजन नहीं करना। तो मैं तो खाया नहीं, मैंने कहा नहीं मेरा स्वभाव नहीं, मैं खा ही नहीं सकता हूँ, मैं तो रोटी खाता हूँ तो बिना घी के, तो ये पिज़्ज़ा कैसे खाऊँगा। तो मैं कहा नहीं खाऊँगा, तो मेरे लिए रोटी बना, और वहीं पर दूसरे लोग साबस साबस खा। मेरे कथा कहते हैं कोई पंडित जी थे, खूब खा रहे थे, तो उनके विषय में कहता है, जजमान के आटा जजमान के घी, साबस साबस बाबा जी, तो खाने में खूब थे, खा रहे थे। क्या खाना चाहिए, जैसे जो पहले के लोगों ने खाया है वही खाना चाहिए। इटालियन फूड आ रहा है, तो चाइनीज आ रहा है, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, खाओ खाओ खाओ, ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो मैं इस किस बात पर ये कहने लगा भूल गए ये क्यों आ गई लौकिक बात। आए? कैसे ये बात आ गई, हाँ अभिलाषाएं होती है। भीष्म पितामह की अभिलाषा होती है कि मैं कृष्ण के पास जाऊं, उनका नित्य सेवक बन करके उन्हीं वही मेरी गति हो। मरते समय मनोरथ हो रहा है, दूसरा दिन तो मरते समय भी सोच करेगा, यहाँ जमा किया था उसे लेना था, उसे ले लेना, ये करना वो करना है, यही चिंता लगी रहती। भगवान की लीलाएं हमेशा याद रहे, कृष्ण ऐसे रथ का चक्का उठाए थे, रथ का पहिया उठाए थे, मारने दौड़े, ऐसे दुपट्टा गिर गया था, हमारे वध के लिए आ रहे थे, नाटक कर रहे थे, अर्जुन की रक्षा के लिए व्यग्र थे। ये सब वास्तविक स्मरण है, यही वास्तविक भजन है, भगवान की याद आवे, भगवान की याद आवे। तो ये अभिलाषा भीष्म पितामह की जो लालसा है, प्रत्येक श्लोक में कह रहे, किसी किसी श्लोक में कहते हैं, पार्थ सखे रतिर ममास्तु, विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या, अस्तु कृष्णे आत्मा। यहाँ कह रहे हैं, सब भवतु में भगवान गतिर मुकुंद, प्रत्येक श्लोक में ये क्रिया है, कृष्ण में हमारी प्रीति हो, कृष्ण हमको मिलें, कृष्ण मेरी गति हो, मैं जहाँ भी रहूँ मेरी चित्तवृत्ति कृष्ण में रहे, मेरी वाणी कृष्ण में रहे, और शरीर छोड़ूँ तो कृष्ण के पास चला जाऊँ, यह है परम शुद्ध मनोरथ। और मनोरथ करने में क्या दिक्कत है, पर मनोरथ इस प्रकार के वही कर सकते हैं जिन्होंने भगवान के बारे में खूब सुना है, पढ़ा है, भगवान के नाम का उच्चारण किया है, तब ऐसे मनोरथ होते हैं। और नहीं तो मनुष्य मनोरथों से भरा है,
अपनी स्थिति के अनुसार मनोरथ उठते रहते हैं, उठते रहते हैं, उठते रहते हैं। हमें इस बात पर उसको कहा था तो उस लीला की याद कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं, यदि प्रश्न किया जाए कि जब इस प्रकार के कृष्ण अन्यायी हैं, अपनी बात छोड़ दिए, प्रतिज्ञा तोड़ दिए, ऐसे कृष्ण में आप क्यों प्रेम चाहते हैं, ऐसे कृष्ण में क्यों प्रेम चाहते हैं जो अपनी बात पर रहे नहीं। इसको भोजपुरी में बत छोड़ आदमी कहते हैं, जो अपने बात को छोड़ दिया। श्रीधर स्वामी जी टीका में लिखते हैं, तो ऐसे अन्याय करने वाले व्यक्ति के चरण में आप क्यों प्रेम चाहते हैं। तो वे कहते हैं, विजय रथ कुटुंब आत्मतोत्रे धृत है रश्मिनी तत्श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षुः जमीह निरीक्ष हता गतः स्वरूपम्। विजय का, अर्जुन का, अर्जुन का नाम है विजय, विजय का रथ जिनके लिए कुटुंब है, कृष्ण में मेरी रति हो। विजय का रथ, अर्जुन का रथ ही जिनका कुटुंब है। संस्कृत में कुटुंब का अर्थ होता है कुटुंब। यदि फेयर साधन से, उचित साधन से पालन नहीं हो पा रहा है परिवार का, तो कभी कभी अनुचित कार्य से भी परिवार का पालन किया जा सकता है। इसलिए परिवार को कुटुंब कहते हैं। कुटुंब का अर्थ ही है कि अनुचित या कुत्सित कर्म करके भी जिसका पालन करना चाहिए। और कुटुंब में कौन कौन आते हैं, सबसे पहला है पत्नी, इसके बाद बच्चे और असहाय भाई, अनाथ भाई और माता पिता। ये कुटुंब माना जाता है, इमीडिएट कुटुंब। इनका पालन करना चाहिए धर्म के अनुसार, न्याय के अनुसार। लेकिन अगर पालन में कठिनाई है तो कभी अन्याय के द्वारा भी इनका पालन करना चाहिए, धर्म कर्तव्य। तो श्री कृष्ण का कुटुंब क्या है, कुटुंब के समान रक्षणीय है अर्जुन का रथ। अर्जुन को बचाना, अर्जुन की रक्षा करना, इसके लिए भले अन्याय करना पड़े, भगवान करते थे। जैसे अन्याय किए कि प्रतिज्ञा किए थे कि अस्त्र नहीं उठाएंगे, और अर्जुन की रक्षा के लिए अस्त्र उठा लिए, या अर्जुन का रथ बचाने के लिए कभी कभी वे बहुत बेढंगा रथ चलाते थे, उससे बहुत क्रोध हो जाता था किसी किसी वीर को। वो वार करना चाहता था अर्जुन पर बाण से, चाहे कोई कोई गदा से, तो रथ को इतनी इस ढंग से वो हाँक देते थे कि उसका निशाना फेल हो जाता था। ये अन्याय होता था कभी कभी, सब समय नहीं। तो अन्याय करके भी जो अर्जुन की रथ की रक्षा में व्यग्र थे, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। भीष्म पितामह ने अपने आँख से देखा है किस तरह भगवान अर्जुन को बचाते थे। एक दिन की बात है, कर्ण के साथ युद्ध हो रहा था। इस दृश्य को तो भीष्म पितामह ने नहीं देखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, महाभारत में लिखा है। अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था कर्ण का। कर्ण को उकसाया था दुर्योधन ने, तो अर्जुन को मारने के लिए एक बाण रखा था। उस बाण का जब वो संधान करना चाहता था, तो एक अश्वसेन नाम का नाग उसमें प्रवेश किया। उसको वर था कि एक बार वो बाण चलेगा तो एक वीर का निश्चित नाश होकर के रहेगा उस बाण में। तो वो प्रवेश किया और
कर्ण चलाए बाण अर्जुन के गला का निशाना लेकर। भगवान तुरंत समझ गए कि तो अनिवार्य बाण घातक है, देवता का वरदान है। जब वो अर्जुन के गला का निशाना लेकर के कर्ण बाण छोड़ा तो उसी समय भगवान कृष्ण अपने रथ पर इतना जोर से मारे कि घुटने टेक दिए, सभी घोड़े नीचे हो गए तुरंत। तो जो नीचे हो गए घोड़े तो रथ डाउन हो गया और वो बाण अर्जुन के केवल मुकुट को गिराता हुआ चला गया, मुकुट पर लगा। जो गर्दन पर लगने वाला था मुकुट पर लगा, अर्जुन का मुकुट गिर गया पीछे। गीता प्रेस के महाभारत में चित्र बनाया गया है, अर्जुन बहुत सुंदर लग रहे हैं बिना मुकुट के। कृष्ण जैसे थे उनका शरीर तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो भगवान ने उनको बताया कि अर्जुन, कर्ण तुम्हारे गर्दन का निशाना लिया था, आज तुम्हारी मृत्यु हो गई होती यदि रथ डाउन नहीं किया गया हो। तो एक हाथ लगभग रथ डाउन हो गया और या कुछ जितना गर्दन और मुकुट में दूरी है उतना डाउन हुआ। अर्जुन की पराजय एक प्रकार से यही माने, बस मुकुट गिरा है उनका, भगवान इतना रक्षा में व्यग्र रहा था। भूरी सर्वा के साथ युद्ध चल रहा था, भूरी सर्वा को एक गदा मिली थी और भगवान शिव का वरदान था कि जिस पर तुम चलाओगे एक गदा वो निश्चित मर करके रहे, मर जाएगा, पर इतना सावधान रहना कि जो युद्ध नहीं कर रहा हो उस पर मत चलाना, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट करेगा। भगवान इसको जानते थे तो रथ को ऐसे ढांके अर्जुन को बचाते हुए, वो गदा अर्जुन पर चलाने का अवसर नहीं पा पा रहा था, अर्जुन को मारना चाहता था लेकिन भगवान ऐसे रथ झाँकते थे कि उसको अवसर नहीं मिलता था। तो वो उब गया कृष्ण से, तो कृष्ण पर ही गदा चला दिया। अब ये विवेक नहीं रहा कि ये युद्ध नहीं कर रहे इन पर नहीं चलाना चाहिए। वो गदा आई भगवान के तरफ आ करके और लौट करके जा करके भूरी सर्वा को ही मारा, वहीं पर मर गया। ये भगवान शिव का वरदान था। तो भगवान इस तरह से रक्षा करते थे अर्जुन की, कई प्रकार के महारथियों के अस्त्र से, इससे उससे। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन का रथ श्री कृष्ण के लिए कुटुंब जैसा रक्षणीय है, ऐसे कृष्ण में मेरी प्रीति हो। विजय रथ कुटुंब आततोत्र और उस सारथ्य श्री की, सारथी बने हुए उस सौंदर्य की याद कर रहे हैं। कृष्ण कैसे रथ हाँक रहे हैं, आततोत्र जो दाहिने हाथ में चाबुक लिए हैं, तोत्र का अर्थ है चाबुक घोड़ा हाँकने के लिए, तो दाहिने हाथ में चाबुक लिए रहते। यहाँ जो बैठे हैं वो रूप याद नहीं आ रहा है, युद्ध के समय में जो कृष्ण की छवि थी उसकी याद आ रही। और आततोत्र आत का अर्थ है गृहित, जो तोत्र दाहिने हाथ में चाबुक पकड़े हैं घोड़ों को हाँकने के लिए और बाएं हाथ में धृत है रश्मिनी, है रश्मि घोड़ों की लगाम पकड़े हैं, चार घोड़े हैं तो उनको उनसे निकलने वाले चार लगाम हैं, चारों को भगवान पकड़ते थे बाएं हाथ से। तो दाहिने में चाबुक है और बाएं हाथ में लगाम है, धृत है रश्मिनी और मुख में वैसे रथ संचालन जैसे कर किया जाता है वैसे करते हैं, आ आ बेटा आ आ, आ इधर आ आ भगवान बोलते हैं ना, आपने देखा होगा एक वान को तांगा वाले को। तो इस तरह से श्री कृष्ण बोल रहे तत् श्रिया इक्षणीय, अरे इस सौंदर्य के साथ दाहिने हाथ में चाबुक बाएं में लगाम और वाणी पर आ आ या बेटा बाबू जो भी कहे, इस श्रिय तत्श्रिय इक्षणीय देखने ही योग्य थे, देखने ही योग्य। अरे उस छवि को मैं देखा हूँ, यहीं पर चक्रवर्ती पाद जी टीका लिखते हैं कि यह छवि अर्जुन को भी देखने को नहीं मिली जो हमें मिली, भीष्म पितामह कह रहे हैं।
इस तरह से जुड़ा थाक रहे थे, ऐसे भगवान में मेरी रति हो, मेरी प्रीति हो। भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षु, मैं मुमूर्षु हूँ, मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मरण के इच्छुक मुमूर्षु की मति श्री कृष्ण भगवान में हो। भगवान का है अर्थ श्रीधर स्वामी जी करते हैं अचिंत ऐश्वर्य, जिनका अचिंत ऐश्वर्य है, अद्भुत प्रभाव है, अद्भुत लीला है, ऐसे भगवान में श्री कृष्ण में हमारी रति हो, हमारी प्रीति हो। तो उसी ऐश्वर्य की याद कर रहे हैं। क्या अचिंत ऐश्वर्य है कृष्ण का? जमी है निरीक्ष हता गता स्वरूपम, यह इस कुरुक्षेत्र में जो भी वीर मारे गए हता, तो ये फैसिलिटी थी भगवान की कृपा से, उनको भगवान का दर्शन होता था। कहीं मरे, चाहे ज्योतिषर में मरे, चाहे ब्रह्म सरोवर, कहीं इधर उधर, कहीं भी, सब जगह भगवान कृष्ण का दर्शन होता था। भगवान यहाँ विद्यमान थे इस भूमि पर, और सभी जीवों के अकारण हितैषी हैं भगवान, कृपालु। तो इन योद्धाओं को जो कुरुक्षेत्र के उस प्रसिद्ध युद्ध में लड़े, उनको ये फैसिलिटी भगवान ने दिया था, कहीं मरेंगे मेरा दर्शन होगा। तो जब यह निरीक्ष, यह माने यह कुरुक्षेत्र युद्ध है, जो लोग देखे, भीष्म पितामह इस तथ्य को समझ रहे हैं कि जो इस कुरुक्षेत्र में योद्धा मरे इनको देख करके, तो हता गता स्वरूप, वे सब अपने स्वरूप को प्राप्त किए, स्वरूप को प्राप्त किए, भगवान के पार्षद बन गए। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, तो स्वरूप सारूप मुक्ति प्राप्त किए और अपने स्वरूप को प्राप्त किए, भगवान के धाम चले गए। ये अर्थ है, जमी है निरीक्ष हता गता स्वरूप, जिनको निरीक्षण करके मरने वाले सारे वीर उनके धाम में गए, उनके नित्य सेवक बन गए। यह है ऐश्वर्य कृष्ण का, जिनसे युद्ध करने के लिए लोग आए हुए हैं। मतलब महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करना, ये कृष्ण के साथ ही युद्ध करना था, बोले आए थे युद्ध करने, चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, जो भी कुरुक्षेत्र में मरे इस युद्ध में, वे सभी भगवान के धाम में गए। देखिए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट बात लिखी गई है, छिपा करके नहीं लिखी, ये कृष्ण का ऐश्वर्य है, ये अचिंत ऐश्वर्य। कृष्ण अद्भुत व्यक्ति हैं, जिनको देखने वाला और खास करके मरने से पहले देखे तो वो भगवान के धाम में जाते, जिनको निरीक्ष निरीक्षण करके, देख करके, चिंतन करके नहीं, इसमें अर्थ किया गया है, मन में चिंतन हो या ना हो, कृष्ण को आँख से देखे हुए जाएंगे। जब मंदिर में श्री विग्रह है, मन कहीं भी हो, अगर कृष्ण को कोई देख रहा है, गोविंदम आदि पुरुषम कहते हुए अगर उनको देख रहा है, तो भगवान के धाम में जाएगा। ये विशेषता है भगवान के अंगों की। कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे भाई हरे कृष्ण कर रहे हो, हरे कृष्ण कर रहे हो, लेकिन मन लगा होगा तब ना। नहीं, मन लगना अलग बात है, वो ठीक है, उससे सुख मिलेगा, लेकिन केवल जिह्वा पर कृष्ण का नाम है तो उससे उसकी सदगति होगी, उसे भगवान का धाम मिलेगा ही, निश्चित है। केवल जिह्वा पर नाम होने से, भागवत में प्रसंग दिया गया है, अजामिल क्या नारायण भगवान का चिंतन कर रहा था, नारायण नामक अपने बच्चे का चिंतन कर रहा था, उसको डर हो गया कि ये भयंकर आदमी उस बच्चे को न मारे, तो कहीं खेल रहा था, तो उसने कह दिया नारायण आय, प्लुत स्वर में बोला, प्लुत स्वर का अर्थ है ऊंचे स्वर में, तो कहीं दूर खेल रहा था तो अजामिल को बोला नहीं जा रहा था, कफ भर गया था, मरने का समय था, जब पास बांध दिया गया था तो बोला नारायण आय, हे नारायण आओ, तो उस मरणासन अजामिल के मुख पर नारायण नाम आते ही चार पार्षद धमाका है। देखिए भगवान के चार पार्षद आए, ये तो सत्य है ना, भागवत में साफ लिखा हुआ है।
जब वो धमक आए, इतना ही नहीं, वे आए और उन्हें कहा, कौन हो तुम लोग, चलो हटो। वे डर करके भाग गए, दूर कुछ हो गए, और रस्सी उनकी जो सरकारी ऑफिस और रस्सी थी वो भी अजामिल के गले में बंधा रह गया। होता है ना सरकारी रस्सी जैसे पुलिस लेकर के चलते हैं, तो जंपास कहते हैं उसको, तो वो भी लेने की हिम्मत नहीं पड़ी, वो दूर खड़े हो गए। और वो लोग चैलेंज किए, आप लोग कौन हैं, आप लोग क्यों इस बदमाश का पक्ष ले रहे हैं, ये कितना बड़ा पापी है आपको पता है। और भगवान के दूतों के बोलने के पहले वे कहते हैं, हम कौन हैं आप जानते हैं, हम सुप्रीम जज के व्यक्ति हैं, जमराज जी के, अभी उनको खबर देंगे और बंधवा करके पीटेंगे वे सब, तुम लोग समझते नहीं हो, इतना सुंदर शरीर लिए हो, चमक रहे हो, कमल जैसी आँख है, चार भुजाएं हैं, और काम इतना गंदा कर रहे हो कि इस दुष्ट को छुड़ा रहे हो, अगर इसको छुड़ा दोगे तो क्या परिणाम होगा, दुनिया में लोग खुल करके पाप करेंगे, क्योंकि अब तो नरक जाना नहीं है, इसलिए इसको ले जाने दो, हम लोग ले जा रहे हैं नरक में, वहाँ पर इसकी पिटाई होगी, इसकी मरम्मत होगी, शुद्ध हो जाएगा, हम लोग इसके शत्रु नहीं हैं, हम इसके हितैषी हैं, इसको शुद्ध करने के लिए जमपुरी में ले जाएंगे इसको। तो भगवान के दूतों ने कहा कि तुम लोग कौन कौन रुका है, हम धर्मराज के सेवक हैं, हम लोग कोई अन्याय करने वाले नहीं हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि यदि धर्मराज के सेवक हो तो धर्म किसे कहते हैं ये बता सकते हो, तुरंत बोले हाँ वेद प्रणीतो धर्म, ये धर्मस्तद विपर्य, वेद में जो अनुकूल रूप से करने के लिए कहा गया है वो धर्म है, और वेद जिसको मना किया है वो अधर्म है। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा वेद क्या है, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमा, वेद साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, भगवान ही वेद हैं ऐसा हमने सुना है। जमराज जी इतनी बात बताए होंगे, कभी क्लास दिए होंगे नरक में तो बताए होंगे, वेद को प्रमाण मानना चाहिए। कद इति सुश्रुमा, हम पढ़े तो नहीं हैं लेकिन हम सुने हैं कि वेद साक्षात नारायण, नारायण के श्वास हैं, नारायण के अनुभव हैं, तो साक्षात नारायण ही हुए ना। तब कैसे जानते हो कि पापी है, तो उसके कर्मों को गिनाए, कई तरह से ये किया ये किया, पहले तो शुद्ध था लेकिन एक वेश्या से प्रेम किया, आसक्त हो गया, ये हो गया, पाप किया, वेश्या से 10 लड़का पैदा किया, और इसके 4 प्रकार की कमाई थी, किसी को अपहरण करना, बंदी बना लेना और पैसा लेकर छोड़ना, एक कमाई ये थी बंध्यक्ष, और दूसरी कमाई जुआ, जुआ खेल खेल करके दूसरे का धन लेना, और कई तवाई, और तीसरी कमाई थी कई तव, कहते मैं धोखाधड़ी झूठ बोल करके देना कि पैसा दे दो हम तुमको दुगना देंगे या तिगना देंगे, एक पैसा नहीं देता, लौटाता नहीं था, हमको इतना दो हम तुमको इतना नफा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे बस। तो बंदी बनाना मतलब अपहरण करना, जुआ खेलना और धोखा देना, और सबसे काम न चले तो चौरजई, चोरी डकैती करना, 4 काम थे परिवार को मेंटेन करने के लिए। तो 10 लड़के और एक वो थी और एक ये 12 थे, कमाई बस यही 4 थी, अपहरण करना, चोरी करना, जुआ खेलना और धोखाधड़ी से रुपया किसी से ले लेना, इतना बड़ा परिवार था तो चलेगा कैसे। एक भगवान के दूत गिना रहे हैं कि ये इतना पापी है, ये किया वो किया, माता पिता को छोड़ दिया, घर में वेश्या को ला करके रखा और अपनी विवाहिता पत्नी को भगा दिया जो कि ब्राह्मण कुल की थी और ज्योति थी, कोई दोष नहीं था, लेकिन उस वेश्या ने कह दिया या तो इसको रखो या हमको रखो, इतना पापी था। उसी को सुना करके भक्त
ये जमराज के दूत बोल रहे थे, दांत पीस रहे थे देख देख कर राजा मिल, ये साला ये काम किया है, वो बोल रहे थे। अच्छा, ऐसी भाषा है सुखदेव गोस्वामी की कि अजामिल के दोषों का वर्णन जमराज के दूतों के ही मुख से करा रहे हैं, करा इसका पक्ष ले रहे हैं। अजामिल दोनों पक्ष की बहस सुन रहा था, कांप रहा था, सोच रहा हाय रे बाप क्या होगा, ये छुड़ाने वाले विजयी होंगे कि नरक ले जाने वाले, कौन पक्ष जीतेगा। तो जब वो वर्णन कर चुके कि इसको हम लोग ले जाएंगे, ये सब पापी है पापी है, तो भगवान के दूतों ने कहा, बहुत दुख की बात है कि जो जनता को धर्म की शिक्षा देने वाले हैं उनको खुद ही पता नहीं है कि धर्म क्या है। तू तो चौंक गए, हम लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है, ये धर्मात्मा है इसका पक्ष आप लोग ले रहे हैं, ये धर्मात्मा है, हद हो गया। ये जमराज के दूत तो परेशान हो रहे थे, ये धर्मात्मा निकला इसका पक्ष ये लोग ले रहे हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा कि जिस दिन इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया उस दिन एक जन्म का पाप नहीं, एक जन्म का पाप गिनाए ना आप लोग, इसके करोड़ों जन्मों का पाप जल कर राख हो गया एक नारायण नाम कहने से। भगवान के पार्षद प्रवचन कर रहे हैं, वैकुंठ से आए हुए भगवान के पार्षद प्रवचन कर रहे हैं। एक बार जिस प्रथम बार इसने नारायण शब्द कहा, इसके बच्चे का जब नामकरण हुआ और जब नामकरण के समय ये कहा कि बेटा नारायण माँ के गोद से मेरे गोद में आओ, उसी समय इसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गया। और उसके बाद खिलाने में सुलाने में पढ़ाने में जो भी नारायण बोला वो सब फालतू हुआ, एक ही नाम से सारा पाप कट चुका है, अब इसको नरक नहीं ले जा सकते। ये तो अपने बेटा का नाम लिया है, नारायण का नाम नहीं लिया। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि कोई बात नहीं, अनजान में अनजान में भी यदि कोई अमृत पिए तो अमर हो जाएगा। भगवान के पार्षद कहते हैं अमृत रखा हुआ है और कोई पानी समझ करके पी जाए तो अमृत तो अपना गुण देगा ही, भगवान का नाम लिया भले बच्चा का नाम समझ करके, इसके सारे पाप कट गए। संकेतम पारिहास्यम अस्तोभम हेलन मेवा, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के बदले नाम ले किसी चीज़ का, जैसे नमक को कोई राम रस कहे, जैसे साधु लोग कहते हैं तो राम रस कहते ही सारा पाप गया नमक के बदले में, इसको संकेत कहते हैं। और चीनी को श्याम रस कहते हैं व्यवहार में चलाते हैं, कोई चीज़ का नाम रख लेते हो जो भगवान का नाम हरिनामामृत व्याकरण तो भगवान का नाम है किसी वस्तु के बदले रख लिया जाए और उस वस्तु के लिए ही सोच करके प्रयोग कर रहा है लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम हो गया और उसके सारे पाप अशेष अघहरम विदुह। विद्वान लोग मानते हैं कि ऐसा नाम उच्चारण समस्त पापों को नष्ट कर देता है। प्रस्तोभम, और पद पूरा करने के लिए, कोई पद पूरा करने के लिए कभी कभी लोग गाते हैं एरामा समरिया, गा रहे हैं दूसरा गीत लेकिन उसमें कहीं अगर लगा दिए हरि हरि शब्द, हरि हरि उधो लाए जोगवा के पाती है हरि, तो ये तो पूरा ही भजन है लेकिन केवल हरि हरि लगा दिया जाए तो सारा पाप नष्ट हो जाता। तो इस तरह से बहुत उदाहरण दिया, बहुत लंबी कथा है, उन्होंने सिद्ध किया कि यह पुण्यात्मा है, ये धर्मात्मा है, इसने भगवान का नाम लिया है वो भी मरणासन समय में, इसे तुम कभी नरक नहीं ले जा सकते, अगर छूने का प्रयास किए बस तुम्हारे मृत्यु का ही समाचार तुम्हारे स्वामी को मिलेगा, जमराज जी को यही रिपोर्ट मिलेगा कि मरे आपके तीन दूत खत्म हुए अगर इसको छुए। वो लोग तो समझे नहीं, भागे बिल्कुल बड़बड़ाते हुए, हम दिखाएंगे हम जा रहे हैं स्वामी के पास, भागे चले गए जमराज के यहाँ। और इसको भगवान के पार्षदों ने उसके जमपास को काट दिया, फ्री कर दिया, वो कुछ बोलना चाहता था, कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता था, तब तक भगवान के दूत अंतर्हित हो गए।
उसके बाद वो हरिद्वार गया, गंगा जी में स्नान किया, भजन करता था, जप, अब कितना जप करता होगा, नाम की महिमा सुन लिया। तो 15 साल रहा वहाँ, उसके बाद विमान पर चढ़कर भगवान के धाम गया। अजामिली कथा है भागवत। और वहाँ जब जमराज के दूत पहुँचे तो उस दिन सलाम भी नहीं किए, रोज जाकर प्रणाम करते थे, लेकिन इतना क्रोध में थे भगवान के पार्षदों के प्रति, इतना क्रोध में थे कि उस क्रोध के आवेश में जमराज जी को प्रणाम नहीं किए। जा करके पूछे, इनका चेहरा उड़ा हुआ था, बड़े चिंता में थे। तो भगवान जमराज ने पूछा, कैसे हो, ठीक हो ना? तो जमराज के दूत कहे, कति संति है शास्त्र जीव लोक स्वय प्रभु त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभि व्यक्ति है तब। आप पहले ये बताइए कि संसार में कितने ईश्वर हैं, कितने मालिक हैं, कितने मालिक हैं? जीव गलत काम करेगा या सही करेगा, उसको दंड देने वाला, इनाम देने वाला, कितने मालिक हैं? तो समझे नहीं जमराज जी। फिर बस बात क्या हुई, बात क्या हुई? हम लोग आपके आदेश से गए उसको लाने के लिए, वो कानपुर वाला, वो पापी कन्नौज वाला अजाम, जिसका नाम अजामिल था, उसको लेने के लिए हम लोग गए आपके आदेश से। और जब बांध रहे थे, लाना चाहते थे, तब तक 4 देवता आकर के धमक गए, हमको डांट दिए, हम भाग आए, नहीं तो सरकार मार दिए होते, बहुत बलवान थे। अरे कौन देवता, कौन देवता? अरे 4 भुजा उनको थी, कौन देवता पूछ रहे हैं? 4 भुजा थी, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत तेज था, और उसको कहे डरो मत, डरो मत, और हम लोगों को कहे कि अगर जीना चाहते हो तो बस हाथ मत लगाओ। आज हम मर गए होते, हमारे बाल बच्चा का कौन हुआ होता? हम तो नौकरी आपकी कर रहे हैं, लेकिन हम तो निश्चिंत हैं कि हमारे स्वामी हमारे रक्षक हैं। अगर हम जबरदस्ती किए होते तो आपको हमारी मृत्यु का ही समाचार मिला होता। तो पूछे, अरे कौन है, कौन, क्या क्या बात हुई कि उसकी रक्षा किए वे लोग? कुछ नहीं, जब हम लोग वहाँ गए तो केवल नारायण शब्द बोला, इसी पर चारों धमक आए। तब तो भगवान समझ गए, भगवान जमराज जी समझ गए, अरे भगवान का नाम लिया, तब तो भगवान के पार्षद आए होंगे ना, वो समझ गए। तब कहे, अच्छा अच्छा समझ गए, तुम शांति से रहो। नहीं, शांति से नहीं रहना है, हम तब समझेंगे कि आप रियल मालिक हैं, जब उन 4 गुंडों को मंगा करके और नरक में आप उनको दुख देंगे, पीटेंगे, तब हम मानेंगे कि आप मालिक हैं, नहीं तो आप जैसे जुगनू की नौकरी हम नहीं करें। ये चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, आप जैसे कोई वैल्यू नहीं है, आप कहें कि पापी है नरक में लाओ और वहाँ जाने पर कोई जान मार दे, ऐसे आदमी की हम नौकरी नहीं करेंगे। वो कौन है, उनका क्या एड्रेस है, क्या आईडी है, उनको यहाँ मंगा करके हम लोगों के सामने चारों को पीटिए। इतना आक्रोश में थे बेचारे, को दुख लगा था, इधर से भेजा जाए किसी पुलिस को कि जाओ चोर को पकड़ लाओ, और चोर ही मारने लगे, ये सोच की बात है ना? और वो भी 3-3 पुलिस जाए और उनको 4 दूसरे चोर लगे मार। तो पुलिस अधीक्षक के पास आकर के, आईजी के पास और या किसी के पास तो शिकायत करेंगे ना, ये क्या हो रहा है, आपका क्या पावर है? तो भगवान जमराज समझ गए कि भगवान के पार्षद आए थे, तो वो प्रणाम किए भगवान को और कहे, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य था कि भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ। अरे सुनो मूर्खों, मेरी गलती है कि मैं तुम लोगों को नहीं बताया, इस जगत का स्वामी कोई और है, उसी का नाम नारायण है।
उसकी जो भक्ति करता है उसकी उसके पार्षद उसकी रक्षा करते हैं। तो यही भक्ति किया था, भक्ति करने वाले की रक्षा करते होंगे भगवान नारायण के पार्षद, लेकिन अजामिल की रक्षा क्यों किए? ये तो कोई भक्ति किया नहीं। कह रहे तुम लोग धर्म का रहस्य नहीं जानते हो। धर्म का क्या रहस्य है? एतावा नेव लोकस्मिन पुंसम स्वार्थ परस्मित भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहण आदि। ये कहीं धर्म है मेरे प्यारे दूतों कि भगवान का नाम जप आदि करके भगवान में भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, बस यही धर्म है जीव का। तो फिर भी वो तो किया नहीं धर्म। बाद में जमराज जी ने बताया किसी तरह से कोई भगवान का नाम ले तो पुण्यात्मा है और नरक के जाने योग्य नहीं है। तो वे लोग समझ गए, बहुत दीर्घ प्रवचन है मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, समझ गए। तो अच्छा, तो धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है, भगवान का नाम लिया, ठीक है हम समझ गए। तो आज से आप क्लियर बताइए कि किसको नरक में लाना है। आप कहे थे कि उसको जाकर नरक में लाओ, हम लोग गए तो वहाँ पर हम लोगों को मारने की धमकी दी गई। तो क्लियर बताइए किसको नरक में लाए। तो भगवान जमराज जी कहते हैं, भागवत का श्लोक है, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिनकी जीभ भगवान कृष्ण के नाम को नहीं बोलती है उन दुष्टों को पकड़ पकड़ कर लाओ मेरे पास। जीभ होते हुए भी और जो भगवान का नाम नहीं बोलते हैं उनको पकड़ कर मेरे पास लाओ। वो भले और दृष्टि से सज्जन है लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उन दुष्टों को पकड़ कर लाओ मेरे पास। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्द। तो उनके दूतों ने कहा कि और मान लीजिए कोई गूंगा है बेचारा, नाम नहीं बोले तब उसको भी पकड़ कर लाएंगे? हाँ, उसको भी लाएंगे। चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्द, ठीक है गूंगा है नहीं बोल सकता है, लेकिन जिसका मन कृष्ण के चरण कमल का स्मरण नहीं करता है उसको पकड़ कर लाओ। तच्चरणारविन्दम, भगवान के सुंदर श्री विग्रह का जो ध्यान नहीं करता है उसको पकड़ कर लाओ। कभी कभी आदमी बोल नहीं सकता है तो स्मरण तो कर सकता है ना। और जमराज के दूतों ने कहा कि अगर कदाचित कोई पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया तो कैसे स्मरण करेगा? तो ठीक है, कृष्णाय नो नमति जत छिड़े एकदापि तान आनध्मस्तो अकृत विष्णु कृत्य। जो एक बार भी कृष्ण को प्रणाम नहीं किया है, सिर जिसका नहीं झुका है कृष्ण के सामने, श्री विग्रह के सामने, उनको पकड़ करके लाओ। जमराज के दूत निराश हो गए थे पहले कि तब तो नरक में जाने लायक कोई रहा नहीं। तो जमराज जी कहते बहुत लोग हैं कृष्ण को प्रणाम नहीं किए हैं, कृष्ण का नाम नहीं बोले हैं, कृष्ण के चरण कमल का स्मरण नहीं किए हैं, तो बहुत कैंडिडेट हैं, इन लोगों को पकड़ पकड़ कर लाओ। ये नरक से बचने का उपाय भगवान का नाम। तो ये सब सत्य बातें हैं और वैदिक इतिहास में श्रीमद् भागवत में लिखी गई है, भगवान का नाम किसी तरह से जिह्वा पर आना चाहिए। तो ये भगवान का गुण है, उनका ऐश्वर्य है कि युद्ध भूमि में उनका दर्शन करके मरने वाले वीर भगवान के धाम में गए। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको देख करके मरने वाला भगवान के धाम में जाए? ये भगवान का अचिंत ऐश्वर्य है। इसी पर भीष्म पितामह कहते हैं, भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षो जमी है निरीक्ष हता गता स्वरूप। जिनको देख करके मरने वाले लोग, जिनमें चित्त को लगाने वाले भगवान के धाम में जाते हैं, ऐसे कृष्ण में हमारी मति रहे, मुझ मरणासन की रति हो। जमी है निरीक्ष हता गता स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण की जो विशेषता है श्रीमद् भागवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, अन्य पुराणों में बहुत विस्तार से दी गई है विशेषताएं। किसी व्यक्ति को भगवान कृष्ण पर विचार करना चाहिए
और विचार करने की शक्ति न हो तो तत्वज्ञ पुरुषों से सुनना चाहिए, सुनना चाहिए श्रद्धा के साथ, तब कृष्ण समझ में आते हैं। और जब ठीक से समझ में आ जाए सारी बातें तब बोलना चाहिए। आजकल बोलने वाले बहुत बढ़ गए, बहुत बोलते हैं, लेकिन वास्तव में तत्वज्ञ बन करके बोलना चाहिए, ठीक से बोलना चाहिए। नहीं तो नीम हकीम खतरे जान, आधा ज्ञान हमेशा भयदायक होता है। ठीक से जानकारी होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण के विषय में विचार किया जा रहा है, क्या विशेषता है कि जिनको देख करके मरने वाला या जिनका स्मरण करके मरने वाला, जिनका नाम उच्चारण करके मरने वाला व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है। तो अद्भुत है कृष्ण, उनका दर्शन, उनका शब्द, उनका स्पर्श, उनका चिंतन जीव को मुक्त करने वाला है। ऐसे श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हो। हम वैष्णवों को इन शास्त्रों का बहुत भारी आश्रय है, भरोसा है। ऐसा कोई जाए टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की पर और कहे कहाँ जाना है, किस गाड़ी से जाना है, किसी भी गाड़ी से दे दो, सभी गाड़ियाँ तो एक ही जगह जाती हैं, कितनी बड़ी मूर्खता होगी। बस कुछ भी जप करो, कोई भी मंत्र बोलो, किसी की भी पूजा करो, एक ही जगह जाओगे। ये पागल का उद्गार है, वास्तव में पागल व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। मरने पर सब एक ही जगह जाते हैं, एक ही जगह कैसे जाएंगे? और हम लोग कथा के बाद जाएंगे तो सब एक ही जगह चले जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे? नहीं, कोई कहे बस सब निकलेंगे द्वार से और एक ही जगह चले जाएंगे। इतने बेवकूफ लोग हैं, इन बातों को सोच सुन करके मान लेते हैं। कोई प्रवचन करता है, कह देता है बस क्या भेद है, किसी को भी मानो, सब एक ही हैं, एक ही हैं। इसको आज की बेवकूफ जनता मान लेती है, थोड़ा भी विचार नहीं करती है ये बोल रहा है, कितना फालतू बोल रहा है। और ऊपर से ईश्वर तो निराकार है, ये है वो है, कहाँ से पढ़कर आ गया कि निराकार, निराकार को कहाँ से देखा, कैसे पता चला कि निराकार। भगवान के अंगों का वर्णन है, हाथ में चक्र लेकर के दौड़ रहे हैं, चाबुक है दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में रस्सी है, वाणी से बोल रहे हैं, ये निराकार कहाँ से आ गया? अब सोचने की बात है, केवल फालतू खुराफात है। वास्तव में जिसको कोई ज्ञान नहीं है वही ये सब बातें बोलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि भगवान के आकार है, भगवान का आकार है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, कर्म है, भगवान के संबंधी हैं, भाई भी हैं, माई भी है, पिताजी हैं, है कि नहीं? अभी हम बच्चे से पूछे एक दिन, एक और एक दिन पूछ रहे थे, बूढ़ी माता जी आई थी जमुनानगर से, ठीक है, और भगवान की माँ का क्या नाम है? तो कहते ओ जसोदा जी देवकी जी है। हाँ ठीक है, देवकी ने जन्म दिया, लेकिन भगवान को किसी और माता ने पोसा था ना? हाँ एक थी जसोदा। ये श्रद्धा है सहज, और सहज ज्ञान है। वास्तव में बच्चों से पूछा जाता है भगवान कृष्ण के भाई का क्या नाम है? बलराम जी। भगवान के पिताजी का क्या नाम है? वसुदेव जी। और तथा कथित महामूर्खों से पूछा जाए, पढ़े लिखे लोगों से, भगवान के पिताजी का क्या नाम है? नहीं, भगवान का पिता कौन हो सकता है, भगवान तो सबके पिता है। बस हो गया ज्ञान, भगवान तो सबके पिता है। और ज़्यादा बहस कीजिए तो कहेंगे भगवान का कोई पिता नहीं है, ना नाम है, ना रूप है, ना लीला है, बस निराकार है। ऐसे किसी से पूछिए कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या नाम है, क्या पोशाक पहनते हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं, निराकार।
निराकार है, जब ज्ञान नहीं है कुछ भी तो निराकार बोलने में क्या हर्ज है। कुछ ज्ञान नहीं है तो निराकार बोलकर काम चला लिया जाता, कुछ नहीं है। अगर साकार कहेंगे तो वर्णन करना पड़ेगा कि चश्मा पहनते हैं कि क्या करते हैं, कि पैंट पहनते हैं कि धोती पहनते हैं, कुछ कहना पड़ेगा ना। निराकार कह दिए तो महाज्ञानी, कुछ नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं ईश्वर के बारे में ज़्यादा बहस के, तो कहते ईश्वर है ही नहीं भाई, ये फालतू बात। वो कहते ईश्वर निराकार है और कुछ देर के बाद कहते वो है ही नहीं। वही व्यक्ति जो बहस करता है वही कहते नहीं नहीं ये सब झमेला है, तो कुछ है नहीं, बस ये तमाशा चलता है। इसीलिए भागवत पढ़ना चाहिए, इसमें स्पष्ट ज्ञान है, ठीक ठीक भगवान का बोध है और भगवान से प्यार किया गया है। किस व्यक्ति ने किस तरह भगवान से प्रेम किया ये बताया गया है। भगवान अपने भक्त का रथ भी हाँके हैं, रथ चला रहे हैं, घोड़ों को सहलाते हैं, घास खिलाते हैं और भगवान के विविध नाम हैं, उनके गुणों के अनुसार विविध लीलाएँ। तो हम वैष्णवों को इसमें बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए, हम बिल्कुल सत्य मार्ग पर हैं, हम वास्तविक मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान में हैं। और भगवान के अंगों को लीलाओं को स्वीकार नहीं करने वाले लोग उल्लू जैसे अंधकार में हैं, किसी काम के नहीं है, वास्तव में किसी काम के नहीं। जो ज्ञान नहीं होता है तो ऐसे ही होता है। एक दृष्टांत में बात कही गई है, एक बार एक हंस उड़ता हुआ जा रहा था, तब तक रात हो गई, शाम हो गई, तो एक पेड़ पर उतरा, एक पेड़ पर बैठने के लिए वो उतरा हंस। वो पेड़ पर केवल, उस पेड़ पर केवल उल्लू रहते थे जिनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, रात में थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, दिन में बिल्कुल नहीं। तो हंस जब उतरा वृक्ष के ऊपर तो पूछे हु आर यू, सारे उल्लू पूछे तू कौन हो कौन हो, तो कहा कि हंस, मैं हंस हूँ। तो हंस किस चिड़िया का नाम है, हंस किस चिड़िया का नाम है। अब बेचारा क्या बतावे, हंस तो था तो किस चिड़िया का नाम है। तो ठीक है, कहाँ से आ रहे हो और यहाँ क्यों आए। मैं आ रहा था उड़ करके और तब तक अंधकार, सूर्य अस्त हो गया। सूर्य किस चिड़िया का नाम है, वो जानते थे कि दुनिया में जो कुछ भी है चिड़िया ही होगा, सूर्य किस चिड़िया का नाम है। तो भाई चिड़िया नहीं है वो, सूर्य एक बहुत प्रकाशशील वस्तु है, जब आकाश में रहते हैं तो आलोक रहता है, प्रकाश रहता है। क्या आलोक रहता है, प्रकाश क्या चीज है, प्रकाश किसको कहते हैं। अब वो हंस क्या बताए प्रकाश, जिस कारण सबको देखने की शक्ति मिलती है, प्रकाश से आंखें काम करने लगती है, उसको प्रकाश कहते हैं और सूर्य उस प्रकाश का स्रोत है। कब प्रकाश होता है, अब क्या बताया जाए कब प्रकाश होता है। जब प्रकाश होता है उस समय तो उनको दिखाई बंद हो जाता है, तब जब लोग पूछे तब तुम आए क्यों, तो अंधकार छा गया अब रास्ता नहीं सोचता, तो मैं आज रात को विश्राम करना चाहता हूँ यहाँ पर, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को तो इसी समय दिखाई पड़ता है, इसके पहले तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो कहते अब सब ताली बजाने लगे, कैसा बेवकूफ आया है, कैसा ये हरे कृष्ण कर रहा है, तिलक किया है, हाँ हरे ईश्वर तो निराकार है, इस तरह से ताली पीटते, ये दिमाग भ्रष्ट है, ये हरे कुछ नहीं करने, जो मन में खाने का हो खाओ, ये क्या रिस्ट्रिक्शन है, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, इस तरह से बोलते हैं डायरेक्ट। ये जीवन को बिल्कुल बेकाम बना देंगे लोग,
खाना पर रिस्ट्रिक्शन क्यों डालते हैं? जिसका मन जो हो खाने दो, तो वो इस तरह से कहते हैं। अंधकार क्या चीज़ है? अंधकार किस चिड़िया का नाम है? जिसमें आँखों की क्षमता नहीं रहती है देखने की, अंधकार है। चाहे कब अंधकार चालू हुआ? तो अभी लगभग 45 मिनट पहले, एक घंटा पहले। चलो इसको हटाओ यहाँ से, उल्टा बोल रहा है, इसको हटाओ, हटाओ इसको। लेकिन उल्लुओं में शक्ति नहीं थी कि राजहंस को हटा सके। अब रात भर बेचारे वो भी परेशान रहे सारे उल्लू, क्योंकि सूरज को देखे नहीं है, वापस में कॉन्फ्रेंस करते रहे करते रहे। सूरज नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे उल्लू अब वोट देने लगे, ताली बजा रहे थे, ये सूरज का उपासक आया, सूरज भक्त आया, वहम है, सूरज कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ निराकार है। क्योंकि अंधकार में सब चीज़ निराकार रहता है, घना अंधकार हो कुछ ना दिखाई पड़े तो निराकार है ही। घर भी निराकार, कार भी निराकार, रोड भी निराकार, अंधकार में तो सब निराकार। तो इसी तरह से जो अज्ञान में है वास्तव में, उनके लिए ईश्वर भी निराकार। और तो बात छोड़ ही दीजिए, सब कुछ ज्ञान है ही नहीं, अंधकार छाया हुआ है। जिन्होंने कभी भागवत सुना नहीं, गीता जिन्होंने देखा नहीं, सुना नहीं गुरुजनों से, वे कहाँ से भगवान के सुंदर अंगों की कल्पना कर पाएंगे? सोच भी नहीं पाएंगे कि भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे विद्वान हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं, परम धनी हैं और परम भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों से स्नेह करते हैं। वे अर्जुन का रथ हाँकते हैं, ये वे गिरिराज गोवर्धन उठाए थे, कालिए के फण पर नृत्य किए थे, दवानल पिए थे। ये सब बातें कहाँ से जान पाएंगे जब तक सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। और बस पढ़े नहीं सुने नहीं, बस कोई ना कोई मत मतांतर चला करके और ये सब संसार को ठग रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत है जिसमें भक्तों के उद्गार दिए गए। जिन्होंने भगवान को आँखों से देखा है, देखा ही नहीं, उनके साथ संबंध स्थापित किया है, उनके साथ खेला है, खाया है, युद्ध किया है उनके साथ, और कई तरह से उनके साथ रहे हैं, वे लोग बोलते हैं ईश्वर के विषय में, भगवान के विषय में, वो प्रामाणिक। तो ईश्वर कैसे हैं? एक बार प्रभुपाद जी से पूछा एक व्यक्ति, तो स्वामी जी आप भगवान को मानते हैं, तो भगवान कौन है थोड़े में बताइए। तो प्रभुपाद जी कहे, वेणुम कोणंतम अरविंद दलायताक्ष बरहा वतंस मसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंद माधि पुरुषम तमहम। भगवान ने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि ईश्वर बांसुरी बजाता है वेणुम कोणंतम, उसकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया जो करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है और बादल के समान सांवला शरीर है, ये है ईश्वर का वर्ण। वो व्यक्ति कहता है ये तो ब्रह्म संहिता में लिखा गया है ना, ब्रह्म संहिता में लिखा गया। तो जिन्होंने देखा है उन्होंने कहा है ना, ग्रंथ में कहे हैं उसी के अनुसार हम बोलेंगे ना। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान कृष्ण को तो वे उनके अंगों का वर्णन कर रहे हैं। तो आप तो ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी क्या, प्रभुपाद जी कहते तब तुम्हारे दिमाग का कचड़ा कहें, ग्रंथ से नहीं कहे तो और किससे कहे। एक व्यक्ति हैदराबाद में बहस करने लगा, कहने लगा बार बार प्रभुपाद जी गीता को कोट कर रहे थे, गीता से उदाहरण दे रहे थे, तो वो कहा कि आप गीता से इतना क्यों बोल रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्या न्यूज़पेपर से बोलूं? गीता से नहीं बोलूं तो न्यूज़पेपर से बोलूं, और गीता से बोल रहा हूं तो इसमें तुम क्या असंगति देखते हो? बोलो बोलो, कोई श्लोक बोलो जिसमें भगवान गलत बात बोले हैं, बोलो। प्रभुपाद जी लगे डांटने, नहीं तुम अभी बोलो, गीता में कौन गड़बड़ी तुम पाए, किस श्लोक में क्या गड़बड़ बात हुई है?
फिर प्रभुपाद जी कहते हैं आचार्य शंकर इसको माने, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य सभी लोग इसको माने हैं, तुम गीता से कोट करने पर क्यों उब रहे हो? बहुत डांट रहे थे। वो कैसी भी है उसमें प्रभुपाद जी बोले, गीता से न बोला जाए तो किससे बोला जाएगा? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबका प्रभाव हूँ, मैं सबको जन्म देता हूँ, सबका मालिक हूँ, सबको जिला रहा हूँ, खिला रहा हूँ, जो मुझसे प्रेम करते हैं परम भाग्यवान हैं, वे महात्मा हैं, ये हैं वो। तो गीता जो कहता है वही मान्य है ना। तो इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए, इसीलिए शास्त्र को सुनने की परंपरा है। पहले तो सुने, तो जिसमें भगवान के वचन, भगवान की लीलाएँ सब दी गई। हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोग इस परंपरा में हैं, ब्रह्मा जी से आने वाली परंपरा में, जिसमें नारद जी हैं, जिसमें मध्वाचार्य हैं और जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। हम लोग ऐसे अंधविश्वासी नहीं हैं। तो वो हैदराबाद में व्यक्ति बोल रहा है, हम अंग्रेजी में बात हो रही है, वो कहता है कि हम कैसे ब्लाइंडली आपकी बात मान लें। प्रभुपाद जी को कहा, वाई आई शुड एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट ब्लाइंडली, वो कहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली, यू शुड ऑल्सो नॉट रिजेक्ट ब्लाइंडली। ब्लाइंडली रिजेक्ट मत करो, आँख खोल करके देखो, और मानने लायक बात हो तो मानो, नहीं तो नहीं मानो। लेकिन ब्लाइंडली हम नहीं मानते हैं कृष्ण को, अरे अंधा कहीं के, आँख बंद किए किए और मानो नहीं मानो, ये क्या करते हो? वो कहा कि हम ब्लाइंडली नहीं मान सकते हैं आपकी बात। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हो। हाँ, आजकल ये धारणा हो, हम ब्लाइंड, हम अंधविश्वास नहीं करते हैं, अंधविश्वास नहीं करते हैं, तो अंध रिजेक्ट कर सकते आँख बंद करके बस कह देना ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसे है, ऐसे। भगवत गीता इसी संसार में है, और प्रभुपाद जी का भाष्य जिसे भगवत गीता है जिटीज कहते हैं, वो इसी संसार में है। और फिर भी लोग दुख से दग्ध हैं, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, यह आश्चर्य की बात है। इस कुरुक्षेत्र में आज से 5000 वर्ष पहले गीता का प्रवचन किया भगवान ने, उस पर अनेक भाष्य हैं, अनेक टीकाएँ हैं वैष्णवों की, और इसके साथ साथ अन्य लोगों ने भी बहुत सी टीकाएँ लिखी है। तो गीता की टीका लिखे हैं, लेकिन गीता की बात नहीं कहते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, उसको गीता से पुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि गीता की बात कह करके उसके अनुसार अपनी बात को पुष्ट करना चाहिए। गीता स्टैंडर्ड है, ये नहीं कि हम स्टैंडर्ड हो गए और गीता का अर्थ ऐसे कर दिए तोड़ मड़ोड़ करके। एक टीकाकार लिखा है, उसे गीता कचड़ा, मैं पढ़ा उसको, तो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, वो लिखता है ये कृष्ण नामक व्यक्ति गीता का उपदेश किए, तो वास्तव में कोई पुरुष नहीं है। मन मना भव का अर्थ है कि जो गीता कह रहा है, बांच रहा है, वो अपने लिए कहेगा, मन मना भव, मुझमें मन लगाओ, मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा भक्त बनो, मुझमें मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। का इसका असली अर्थ ये है, जो गीता पढ़ेगा वो मैं कहकर बोलेगा, मन मना भो, मुझ में मन लगाओ। तो तुम्हें अब ये कृष्ण नामक व्यक्ति में मन लगाने की मत सोचो, अब तुम गीता बोल रहे हो तो तुम उसके वाच्य हो, अब वही भगवान हो गया। तो श्री भगवान वाचक कहा जाए तो इसको कहा जाए कि तुम ही वहाँ कुरुक्षेत्र में प्रवचन कर रहे थे, श्री भगवान वाचक लो पर कही के। ये बात लिखने में शर्म भी नहीं लगती। मन मना भव का अर्थ क्या है? मन मतलब भगवान कृष्ण, मन मत शब्द है, मत मना, मन मना, मुझ में मन लगा। तो उसका इमीडिएट अर्थ है कि अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण जो इस गीता को बोल रहे हैं उनमें मन लगाना। यदि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से कहे कि हमको एक गिलास पानी लाओ,
तो वो व्यक्ति एज इट इज अगर हमारी बात को कहेगा तो कहेगा कि ले जाओ स्वामी जी को पानी दे दो एक गिलास, ये असली अर्थ हुआ। ये नहीं कहेगा कि एक गिलास पानी मुझको लाओ, ये परंपरा बताएगा कि अगर हम पानी मांग रहे हैं, हम इस वाक्य के ओरिजिनल वक्ता हैं, हमको ज़रूरत है पानी की, तो कोई जा करके कहे ऐसे ही झूठ मूठ के मुझको पानी दो, फिर उस बात को सुनकर दूसरा कहे मुझको पानी दो, क्योंकि वो पानी मांग रहे हैं। तो पानी कौन मांग रहा है उसको देना है ना। कर मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, कुरुक्षेत्र में भगवान बोल रहे हैं मुझे प्रणाम करो, मुझ में मन लगाओ, तो फिर दूसरे दुष्ट में क्यों मन लगाया जाता है कि नहीं। जब गीता पढ़ते नहीं, कह दो कि गीता नहीं पढ़ते हैं हम, गीता भी पढ़ते हो और दूसरे के भक्त बनते हो, देखिए ये बात। वो गीता इसका मतलब है कि भगवान का विरोध कर रहा है, वो मान नहीं रहा है गीता को। और गीता मानने वाला व्यक्ति तो कृष्ण का भक्त बनेगा, जहाँ भगवान साफ कहते हैं मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, ऐसा करने पर निश्चित ही तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये श्लोक पढ़ करके लोग कहते हैं हाँ किसी को भी मानो, किसी की भी पूजा करो, किसी को भी आदर करो, नमस्कार करो, सब एक ही जगह जाएंगे। ऐसा करने वाला चार काम वो भगवान कृष्ण के पास जाता है। अगर कृष्ण को प्रणाम करे, कृष्ण में मन लगावे, कृष्ण की पूजा करे, तो कृष्ण के पास जाता है। भगवान ये बात कह रहे हैं। और इसका अर्थ कुछ लोग करते हैं तुम ये सब कुछ भी करो हमारे पास चले आओगे, मतलब भगवान के पास जाओगे। इतना इतना संसार में खुराफात है अध्यात्म के नाम पर, और सब चीज़ की परिभाषा है ठीक ठीक, भगवान की कोई परिभाषा नहीं संसार में। कि जिसके मन में जो आ रहा है वही मान रहा है, वही मान रहा है। पर वास्तव में जो विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। इसको सभी लोगों ने, विद्वानों ने माना है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मूर्ख लोग केवल विवाद करते हैं। तो भीष्म पितामह इस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बार बार जो ये कह रहे हैं कि वे हमारे गति हो, उनमें हमारी प्रीति हो, अर्जुन के सखा में हमारी प्रीति हो, जो हमको मारने के लिए आ रहे थे, जो हमारी बात को रख दिए, अपनी बात छोड़ दिए, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिए, जो भक्त से इतना स्नेह करते हैं, अर्जुन की रक्षा में व्यग्र हैं, ये सब बातें सुन करके ऐसा आश्वासन मिलता है भगवान हमसे भी प्रेम करेंगे, यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो प्रेम करेंगे। और केवल प्रेम करने की बात नहीं है, संसार में लोग दुख से घिरे हुए हैं, भगवान बार बार इस बात को कहते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम सब दुख से मुक्त हो जाओगे, ऐसा स्पष्ट बोलते हैं। दुख से मुक्त होना कौन नहीं चाहता। तो गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि इस्कान वाले केवल हरे कृष्ण ही करते हैं, कीर्तन करते हैं। इस कान में जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल पूर्ण है, सत्य दर्शन जिसको कहा जाता है, सत्य ज्ञान प्रभुपाद जी की कृपा से आ रहा है। ऐसा कभी कभी लोग कहते हैं इस कान वाले तो बस वही ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं, केवल ऐसी बात नहीं है। इस कान के पास जो साहित्य है ऐसा किसी संस्था के पास नहीं है। आप किसी मंदिर में जाइए तो भगवान की व्याख्या करने वाले साहित्य भरे पड़े हैं। इस्कान के किसी मंदिर में जाइए तो एक डिपार्ट ही है बीबीटी, और जगह जाइए ठीक है पूजा पाठ कीजिए आइए, ज्ञान कुछ नहीं होता, कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं। लेकिन सैकड़ों किताबें हैं जो भगवान के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं। कोई जाए तो दर्शन करे, फिर उनको सुने या उनको लेकर के पढ़े, उससे ज्ञान होता है। मंदिर इसके लिए बनाया जाता है जहाँ भगवान के बारे में ज्ञान हो, जहाँ कथाएँ हों और लोग ग्रंथ पढ़ें समझें। तो इस कान के पास ही ऐसा पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से सब कुछ है, भगवान का दर्शन है, भगवान की सेवा है, और भगवान का वर्णन करने वाला प्रचुर साहित्य है। ऐसा साहित्य नहीं है कि व्याख्या करे कि भगवान निराकार है, ये है ये, इस फालतू चीज़ नहीं है। हम देख रहे हैं भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, ईशोपनिषद है, भक्ति रसामृत सिंधु है, ये सब
बिल्कुल पॉजिटिव ज्ञान देने वाले ग्रंथ हैं। प्रभुपाद जी ने इस दृष्टि को दिया है, मंदिर में जाए तो कुछ साहित्य लेगा, कुछ ग्रंथ लेगा, दर्शन किया, इसके बाद जाकर घर पर पढ़ेगा, सुनेगा, अपने बच्चों को देगा पढ़ने के लिए, तो ठीक ठीक ज्ञान होता रहेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस इस्कान संस्था को भी स्वीकार कीजिए, करना चाहिए, इससे सच्चा ज्ञान मिलेगा, नहीं तो आदमी ऐसे ही भ्रम में रह जाएगा। स्वीकार करना चाहिए, हम लोगों को ये सब परंपरा से चीज़ें मिली हैं। आज भीष्म पितामह की मैं कथा कह रहा हूँ, देखिए क्या परंपरा है, यही कुरुक्षेत्र है और यहीं पर भीष्म पितामह के साथ भगवान ने वो लीलाएँ किया, युद्ध किया, उपदेश किया, और उसी भूमि में हम भीष्म पितामह की चर्चा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। इसको कहते हैं रियल परंपरा, इसको कहते हैं रियल प्रवचन। भीष्म पितामह क्या क्या भगवान के बारे में बोल रहे हैं, हम वही प्रयास कर रहे हैं कि उसी बात को हमें रखें। उसको सुनने के बाद भक्तों का उत्साह बहुत बढ़ता है और जो भी भक्त नहीं है उन्हें भक्त बनने की एक लालसा उदित होती है कि हम भी भीष्म पितामह जैसा भगवान कृष्ण से प्रेम करें। इसीलिए बार बार आग्रह किया जाता है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सुनिए सुनिए, और अपने घरों में ये साहित्य रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कभी कदाचित मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा तो कभी बच्चा पढ़ेगा, पत्नी पढ़ेगी, कोई ना कोई पढ़ेगा या पढ़ करके दूसरों को सुनाएगा। इस साहित्य खास करके श्रीमद् भागवतम और भगवद्गीता, और उसमें भी अगर भागवत तो बड़ा ग्रंथ है, उतना पढ़ने का समय न हो तो भगवद्गीता 700 श्लोक का ग्रंथ कोई बहुत बड़ा नहीं है, और संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ग्रंथ है यह, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान देता है। जीवन के साधारण आचार विचार से खान पान से लेकर के और परब्रह्म भगवान तक का इसमें वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण अपने बारे में वर्णन किए और भोजन का भी वर्णन किए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वस्त्र पहनना, प्रणाम करना, इन सब चीज़ों का वर्णन है। तो हमें लोगों का ये परम भाग्य है कि हम लोग प्रभुपाद जी के इस मिशन में हैं, और ये सौभाग्य मिलता है कि इस संस्था में हैं तो स्वाभाविक शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं, कथा कहने को या भगवान का नाम गाने को। और मैं स्पेशली अपने को भाग्यवान अनुभव करता हूँ, इस कुरुक्षेत्र में बैठ करके कुछ बोलने का मुझे मौका मिला, और इस मौका को साक्षी गोपाल प्रभु जी ने दिया हमको। कल कह रहे थे घनश्याम जी कि भगीरथ जी गंगा को लाए, लेकिन वास्तव में इस कथा गंगा को इस पंजाब में और हरियाणा में ये साक्षी गोपाल भगीरथ ही लाए हैं। हमें याद है पंजाब में सबसे पहले मेरी कथा का इन्होंने आयोजन किया, कई बाधाएं आई लेकिन इन्होंने कराया ही, और कह भी रहे थे कि महाराज अमृतसर में जब प्रोग्राम होता है तो कई जगह सफलता मिलती है, आप कह रहे थे, तो इन्होंने किया अमृतसर में, जलियांवाला बाग के निकट ही प्रोग्राम किए थे, और इसके बाद भी कई साल मैं आता रहा, बीच में कार्य क्षेत्र बहुत फैल गया तो नहीं आया, लेकिन फिर आया हूँ। ऐसे साक्षी गोपाल जी को जो हमारे इस इस्कान मंदिर के अध्यक्ष हैं, मैं भूरी भूरी धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि इनका परिवार इनके साथ है, एक दिन मैं देखा भाई को इनके साथ, मुझे खिलाने आए थे सतपति प्रभु, दोनों बैठे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे बच्चे पत्नी भाई सभी एक में हैं और भगवान के प्रचार में लगे। तो हमको तो हरियाणा की भूमि में, कुरुक्षेत्र में और पंजाब में इन्होंने ही बुलाया, हमें बुलाया और हमको मौका दिया, तो हम इसके लिए इनके बहुत ऋणी हैं, और इन्हें भगवान शक्ति दें कि इस पंजाब हरियाणा दिल्ली आदि
उत्तर प्रदेश, इसमें ये भगवान की भक्ति प्रचार करने में सदा समर्थ रहें, स्वस्थ रहें, इनकी मति हमेशा भगवान में लगी रहे, सफल हों, मैं हृदय से कामना करता हूँ। और आप सब भक्तों को भी धन्यवाद देता हूँ जो बहुत दूर दूर से भी और निकट से भी आए हैं भगवान की बात सुनने के लिए। हमें आनंद होता है वैष्णवों के बीच में, हम कृष्ण की बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि श्लोक से निकट चलें, आचार्यों की टीका पढ़ करके कहते हैं, हमें बहुत सुख मिलता है। तो आप सब ने हमारा उत्साह बढ़ाया, आप आए, कथा सुने, आयोजन किए, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और भगवान सब पर कृपा करें, सबकी मति भगवान में लगी रहे। हरे कृष्ण।
Hare Krishna, Hare Krishna.